सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनउ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारी बुद्धि न तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को वातुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर सहारे राम चंद्र के काज संवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिउर लाए रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस वदन तुम रोजस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहां ते कभी को विद कही सके कहां ते तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा राम मिलाय राज पद दिन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारो युग पर ताप तुम्हारा है परसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता
असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ये सर्व सुख करई, संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुर भूप। सियावर राम चंद्र प्रिय हो, राधावर कृष्ण चंद्र प्रिय हो, उमापति महादेव प्रिय हो, पवन सुत हनुमान प्रिय हो, बोलो भाई सब संतन प्रिय हो। विश्वतो दग्धासो अपरितास उद्विद देवानो यथा सदमिद बुधे असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमते रुजुयता देवानां रातिरविनो निवर्तता देवानां सख्यमुपसेति मा वयं देवान् आयु प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदा भूमहे वयं भगं मित्रमदिति दक्षमश्रिदम् अर्यमणं वरुणं सोममश्विना सरस्वती न सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजम् तन्माता पृथिवी तत्पिता द्योः तद्ग्रावाण सोमसुतो मयो भुवस्तदस्विना शृणुतं विष्णायुवं तमीशानं जगतस्तस्तुषस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयं उषानो यथा वेदसाम सद्हृदे रक्षिता पायुर्लब्धस्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न भूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्षो अरिशनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु वृषदस्वा मरुत वृष्णीमातर शुभं यावानो विदथेषु जग्मय अग्निजिह्वा मनवसूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णे विश्रुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गे स्तुष्ट्वांसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो हन्ति देवा यत्रा नश्चक्राचरसं तनूनां पुत्रा सो यत्र वितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषतायुर्गन्तो यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति प्रापश्शान्ति रोषदयशान्ति वनस्पतयशान्ति विश्वे देवा शान्ति
ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति एवा देव एवा यज्ञे एवा इन्द्रः एवा हि भूषण एवा हि देवः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 हरिः ॐ
ब्रह्म। Thank you.
Dear Father.
तुलसीदास जी महाराज प्रिय बापू
नव दिवसीय राम कथा मानस राम मंदिर छठे दिन में प्रवेश कर रही है। तब पुनः एक बार सरयू गंगा में मानसिक रूप में स्नान करते हुए भगवान राम मंदिर में विराजमान है। उस प्रभु के दिव्य स्वरूप को नखशिक दर्शन करते हुए उनके चरणों में प्रणाम। अवध धाम के सभी मंदिर उसमें विराजित सभी स्वरूपों को और वहाँ रहते संत महात्मा आचार्य पुजारी पुरोहित उपुरोहित सभी को भी मेरा प्रणाम। कथा में हमारा हौसला बढ़ाने के लिए विराजित सभी पूज्य चरण साधु संत महंत गण निमित मात्र मनोरथी परिवार इस कथा का और आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सियाराम। आज मेरे एक श्रोता ने लिखा है कि बापू सरयू में स्नान करने मत जाना, मैं आपको याद करके 18 बार डुबकी लगा कर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाप बंदऊ बाल रूप सोई रामो सब सिद्धि सुलभ जपत जिसनामो। भगवान शिव पार्वती को कथा श्रवण कराने से पूर्व ध्यान करते हैं, फिर अपने मन को बहिर करते हुए मंगल भवन अमंगलहारी दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले अजीर बिहारी राम का बाल रूप का स्मरण करते हुए कहते हैं, जिसका नाम जपने से सब सिद्धि सुलभ होती है। पहले दिन शायद दूसरे दिन कुछ सिद्धि की बात कही। वैसे ग्रंथों में अष्ट सिद्धि आदि चर्चा उस दिन भी मैंने कहा, लेकिन भगवान पतंजलि अपने योग सूत्र में सिद्धि की व्याख्या करते जन्मौषधे मंत्र तप समाधि जा सिद्धयः। सिद्धि प्राप्ति के 5 केंद्र बिंदु है योग पतंजलि। जिसको सिद्धि में रुचि हो, ये पूरी एक प्रक्रिया एक प्रोसेस है। सिद्धि का एक केंद्र बिंदु है मेरे श्रोता भाई बहन जन्म। कई लोग जन्म से सिद्धि प्राप्त करके प्रकट होते। आप दुनिया में देखिएगा कई बालक ऐसे होते हैं जन्म के बाद थोड़ा आगे बढ़ता है असाधारण दिखता है, इतना इंटेलिजेंट स्मार्ट इतना स्फूर्त। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि कई बालक ऐसे होते हैं कि उसमें माधुर्य के 10 लक्षण दिखने लगते हैं बचपन से। माधुर्य के हमारे रस ग्रंथों में 10 लक्षण बताए। सौंदर्य होता है, स्फूर्ति होती है, स्वच्छता होता है, उज्ज्वलता होती है, 10 लक्षण है।
देह में बहुत रूप होता है आदि आदि। तो भगवान पतंजलि कहते हैं सिद्धि का एक केंद्र बिंदु है, जन्म स्थान है, वो है जन्म। जैसे प्रहलाद को जन्म से सिद्धि मिली, प्रहलाद की माता कयाधु को सगर्भा स्थिति में नारद जी का सत्संग हुआ और नारद के सत्संग के द्वारा अपनी माता के उदर में रहकर प्रहलाद भगत शिरोमणि हो गए, गर्भस्थ शिशु। जन्म से असाधारणता आती है। एक और दृष्टांत ले, ध्रुव जन्म से सिद्धि प्राप्त करके आया। एक और दृष्टांत ले, छत्रपति शिवाजी महाराज जन्म से सिद्धि लेकर आए। जय जय रघुवीर समर्थ की, जय जय। जन्म से इस सिद्धि शिवाजी को कैसे मिली? समर्थ शिवाजी को पारणे पौढ़ी ने सांभली थी इन राम लक्ष्मण नी बात, जीजाबाई जब लोरी सुनाती है। गोस्वामी जी ने गीतावली में कौसल्या लोरी गाती है, कैसे कैसे पलने हैं, कैसे राम जी को लेटा है, कितने पद लिख दिए हैं कौसल्या। लोरी चली गई, माताएं बच्चे को मोबाइल पकड़वा देते हैं, बहुत घाटे का सौदा करते हो। इसलिए मैं कहता हूं कथा मत छोड़ो, ये तुम्हें गूगल नहीं बता पाएगा। गूगल का धूप जिसने ठाकुर जी के सामने किया हो वो बता पाएगा। कई भाई बहन डरे डरे से आज कि बापू दो दिन से तुम आप कहते हैं कि कथा मत छोड़ो, लेकिन हम टीवी पर कथा सुने तो चलेगा? चलेगा। कहीं कहते हैं कि हम ड्राइव करते करते मोबाइल में कथा सुने, चलेगा। मेरा न छोड़ने का मतलब है उत्तरदायित्व सबको निभाना चाहिए, लेकिन कथा के अरुचि न हो जाए। विदेश में रहे सब भाई बहन हर कथा कहाँ सुन पाते, लेकिन कथा से उसका तंतु तो जुड़े रहता है। तो कई लोगों ने एक ही बात लिखी है, देखो बापू प्रत्येक कथा में गुजराती में लिखा है, प्रत्येक गुजराती है ना, बहुत गुजराती वाली। कल एक भाई ने मेरे श्रोता ने चिट्ठी लिखी थी, बापू आपने दो दिन पहले कहा कि मेरी गुजराती सबको समझ में आ जाती है, और ये करीब करीब सबको मेरी गुजराती समझ में आ ही जाती है। तो उस भाई ने अच्छा लिखा था कि आपकी गुजराती भाषा तो हमें समझ में आ जाती है, लेकिन आपके गुजराती जो आगे बैठ जाते हैं ना, वो हमारी समझ में आज तक नहीं है। कुछ मात्रा में सत्य तो है इसमें, सत्य तो समझने की कोशिश भी मत करना। जितने जितने गुजराती हुए हैं उसको कोई समझ नहीं पाया। महात्मा गांधी को कितने लोग समझ पाए? समझे तो गोली नहीं मारते। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कितने लोग समझ पाए? गांधी भी समझ पाए होते तो वड़ा प्रधान पद उसको दिलवाते। रविशंकर महाराज को कितने लोग समझ पाए? दयानंद सरस्वती आर्य समाज की जिसने स्थापना की, वेद का अद्भुत गुणगान किया, इसको जहर दिया गया, कौन समझ पाए? नरसिंह मेहता गुजराती थे, उसको कौन समझ पाए? मीरा भी आखिर में गुजरात में आकर रही और द्वारकाधीश में समा गई, कौन समझ पाए?
कई नाम आप दे सकते हैं, तो गुजराती को समझने की कोशिश न करो, वो समझ में नहीं आई, तुम्हें कथा चुकवा देंगे। आप मेरी व्यासपीठ को देखो, मुझे देखो, मेरे वक्तव्य को सुनो, बाकी सब छोड़ दो, ये कभी प्रवाह बंद होने वाला नहीं, ये तो सब चलता ही रहेगा। कुछ भाई बहन में जब तक आऊं ना बाहर खड़े होते हैं, और मैं जब आऊं उसके बाद आगे आते हैं, ये बेईमानी है। आगे आकर बैठो ना, किसी कारणवश आप देर से आए और आप बैठो, बात हो रही, लेकिन वहां खड़ा ही नहीं उभा हुआ है। आज तो मुझे रोक कर बाबा को कहा, मैंने कहा कि जाओ अंदर जाओ, अंदर जाओ। फिर मैं देखता हूँ कितने लोगों को डिस्टर्ब करके, गुजराती जहाँ जहाँ वसे एक गुजराती, त्यां त्यां सदा काण गुजरात। जहाँ एक गुजराती रहे तो आखा प्रदेश ने गुजरात करी ना, कि आपको गुजराती न बना दे, इसीलिए बचिएगा, वरना आप भी ऐसा सीख जाओगे। खैर ये तो थोड़ा विनोद है। आज कई लोग मुझे पूछते, बापू कल आपने संकेत की बात कहकर हमें बहुत दुविधा में डाल दिया, संकेत पकड़े कैसे? संकेत पकड़ना है बुद्ध तो पहले तो होशियारी छोड़ो। जो आदमी अपनी चतुराई छोड़ देगा वो संकेत पाने के एक कदम आगे चला जाए। हम अपनी चतुराई नहीं छोड़ते। ये पीछे मुझे देखने के लिए नहीं खड़े रहते, मैं आ जाऊं उसके बाद आगे बैठने के लिए, ये चतुराई, ये होशियारी है। कोई कारण हो तो समझ में आता है। चतुराई चूल्हे पड़ो, दिक पड़ो आचार, तुलसी हरि भक्ति बिना चारों वर्ण निम्न माने गए। चतुराई, तुलसीदास जी की चौपाई, आप क्रम बचन छाणी चतुराई मन भजत कृपा करी है रघुराई, भजत क्रम बचन छांडी चतुराई, मन क्रम करई रघुराई। बाप, मन वचन और कर्म से मेरी और आपकी चतुराई बुद्ध पुरुष के सामने न रहे, ये पहला कदम है संकेत समझने का। समझना है तो दूसरा संकेत समझने की कुंजी वो है, यदि हमें और आप किसी बुद्ध पुरुष के पूर्णतः आश्रित हैं तो उसके संकेत समझने के लिए इसके सामने, इसके दरबार में कभी झूठ मत बोलना। नहीं असत्य सम पातक कुंजा, नहीं
काला सास करे और फिर किचन में जाकर बहू के दोष निकाले तो पांच माला का फल खत्म हो गया। तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये झूठ। कभी बुद्ध पुरुष के सामने हम झूठ न बोले। थोड़े कड़े सूत्र हैं। कथा तीन प्रकार की होती है। मेरे कई युवान कथाकार इसमें बैठे, बापू ये ऐसे कथा में ऐसे कैसे आगे बढ़े, कैसे कथा सुनो। कई मुझे कहते हैं बापू आप हमको कथा सिखाएं। मेरा ये काम नहीं, मेरी दो चार कथा सुनो आप भी कथाकार हो जाओगे। आप सुनो और खूब खूब रियाज करो, खूब मानस का पाठ करो, कथा तुम्हें कथा सिखा देगी। कई मेरे युवान कथाकार पूछते बापू अपनी कथा कहाँ से, कि कोई विशिष्ट कथाकार को सुन के पाए। नहीं, मेरे पर किसी का प्रभाव नहीं है। मैंने कथा केवल तलगा जड़ा के मेरे मिट्टी के घर के कोने में मेरे सदगुरु भगवान गुरु से पाई है। सोचिए, झूठ न बोलना। तो कथा तीन प्रकार की होती है। एक कथा होती है विचार प्रधान, उसमें विचार आते हैं, विवेक विचार, वेदांत विचार, तर्क आदि आदि, बहुत से विचारमय कथा होती है, बौद्धिक विचार, हार्दिक विचार। चलो विचार प्रधान कथा होती है। कुछ कथा उच्चार प्रधान होती है, शब्द आडंबर बहुत होता है, उच्चार ऐसे होते हैं, शब्द आडंबर। संस्कृत के विद्वान लोग और जड़ी बरसा देते हैं, इसकी इसकी कदर करनी चाहिए। विचार विचार प्रधान कथा भी इतनी महत्व की है और उच्चार इतने इतने इतने। संस्कृत के विद्वान लोग जब एक ही व्यक्ति के लिए विशेषण के 15-15 जड़ी बरसा देते हैं, उच्चार प्रधान। वारी जाओ, एक शब्द का भी स्खलन न हो, ऐसे उच्चार जाते हैं उच्चार। लेकिन सबसे श्रेष्ठ कथा है आचार, जिसमें वक्ता और श्रोता कुछ सूत्र पकड़ करके प्रयोग करे, होमवर्क करे, अपने जीवन में उतारे कि मैं गुरु के पास झूठ नहीं बोलूं। किसी के पास भी झूठ मत बोलना, लेकिन कम से कम एक दर ऐसा रखो जहां हम झूठ न बोले, वरना संकेत समझ में नहीं आएगा। आज बहुत से प्रश्न संकेत के बारे में आए। तीसरी बात, गुरु के पास कोई अपनी बड़ाई करे ऐसी इच्छा छोड़ कर आओ। कोई आकर बुद्ध पुरुष के पास, अरे ये भाई उसने तो कितना दान दिया यार, बापू आपको पता है, अरे गजब का आदमी है। हाँ, किसी को पता ना हो इतना दान देता तो तुम्हें कैसे पता चला, तुझे कैसे पता चला? नहीं, आप कितना समझ पाएंगे मुझे खबर नहीं। संकेत समझने के लिए शिष्टाचार भी छोड़ना पड़ता है। शिष्टाचार का मतलब क्या है? उसने मेरी सराहना की, मैं उसकी सराहना की, बस बात खत्म। एक शिष्टाचार मात्र है। बुद्ध पुरुष तो कभी आपका अपमान भी कर सकता है, बताना, ऐसा मत पूछना, ये भी हो सकता है। ऐसे समय में उसके संकेतों को प्राप्त करने के लिए बुद्ध को पूछा था आनंद ने, जब बुद्ध आखिरी क्षणों में थे, वृक्ष के नीचे सुला दिए गए थे और आनंद के आंख में आंसू आ गए। आनंद ने कहा कि आप जब तक रहे तब तक तो हम आपसे कुछ जान सकते थे, अब आप चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? तब बुद्ध ने कहा, ये तेरा रोना इसका कारण है, तू मेरे पास रहा, मेरे संकेतों को नहीं समझा।
किसी के बारे में कुछ कह देना आसान है, लेकिन उसी के बाद उसको समझना बहुत कठिन। सीता सौमित सुमित्रा सुवन भरत स्वभाव भरत स्नेह स्वभाव, मेरे गोस्वामी जी कहते तीन लोग, सीता सुमित्रा सुवन लक्ष्मण, सीता सुमित्रा सुवन भरत स्नेह स्वभाव, कहत सारद ही सरस। इन तीनों के स्वभाव के बारे में सरस्वती बहुत अच्छा लेक्चर दे सकती है। सीता जी पर बड़ा घंटों तक सरस्वती सरस रस भंग न हो रस क्षति न हो ऐसा प्रवचन कर सकती, बखान कर सकती है, उच्चार मई कथा कर सकती। सीता सुमित्रा सु लक्ष्मण के बारे में सरस्वती अच्छा कह सकती है। भरत स्नेह स्वभाव उसके बारे में भी अच्छा कह सकती, लेकिन जान नहीं पाते कि सीता तत्वतः कौन है, लक्ष्मण क्या है, उसकी जागृति का रहस्य क्या है, जान नहीं पाते। और भरत का गूढ़ स्नेह क्या है वो नहीं जान। तुलसी कहते सीता सुमित्रा सुवन भरत स्नेह स्वभाव, सारद कहती सारद ही सरस, लेकिन जान ही रघुराव केवल रघुराय ही जान। किसी को ठीक से जानना, किसी के सामने शिष्टाचार से बोल देना और बात है, उसको जानना, क्योंकि जाने बिनू न हो ही पर। ये रामाज्ञा प्रश्न का शब्दावली रामाज्ञा में लिखा है, जानना युक्ति समझ संकेतों को समझना। हमारे मैं तो कल बोला, लेकिन हमारे नितिन भाई ने तो बहुत पहले ये पद लिखा है, उस आपने लिखकर गुजराती में है, लेकिन साहिब आपे छे संकेतो समझण नो दीवो प्रगटावी सहज हवे तो चेतो। साहिब आपे, साहिब तो संकेत देते। कबीर ने बोल दिया नाव में नदियां डूबी जाए संकेत। हवे तो चेतो साहिब आपे छे संकेतो, एकादा छेड़ा थी ताको आखो ये परखा तो। कपड़े का एक तो एक छेड़े से पता लग जाता है कि खद्दर है कि पॉपलिन है कि क्या है कि इलॉन है कि किस किस प्रकार का ये वस्त्र है। एकादा छेड़े थी ताको आखो ये परखा तो, बैक शब्द थी आखे आखो ग्रंथ अही वंचा तो। दो शब्दों में पूरा ग्रंथ प्रकट हो सकता। सूरत तो बेचार किरण थी खुद नहीं उड़ख दे तो, साहिब आपे से संकेतो। जो जन छेटे जय का शोधो नाभि नी कस्तूरी, मृग दौड़ता रहता है ये गंध कहां से आती है, ये गंध कहां से आती है, गंध कहां से आती है, कस्तूरी कुंडल बसे। लेकिन खुद को पता नहीं कि मेरी नाभि की खुशबू है। कबीर साहब की ये बात मुझे कभी कभी मुझे लगता कि कस्तूरी मृग के नाभि में कस्तूरी का गोटा होता है, तो उसकी गंध की खुद को खबर नहीं, और उसको लगता है कि ये दूर दूर ये खुशबू है और इस खुशबू पाने के लिए मृग दौड़ता रहे। कस्तूरी तो यहाँ है, ये मेरी समझ में नहीं आता। जिसके छाते में कफ हो उसको पता नहीं कि मुझे कफ है। हमारे बाबा ने डॉक्टर को फोन किया कि मुझे कफ निकला पीले रंग का निकला, तो डॉक्टर ने कहा कि आम खाए हैं तो हाँ, तो आम खाए हो तो पीले रंग का ही निकलेगा, कल बता रहे थे मुझे। खुद को तो पता होता है कि मेरे में कस्तूरी कहाँ है, मेरे कफ को। हमको बुखार का पता नहीं होता क्या, सर दर्द है तो पता होता है, शरीर में कप कपी हो तो पता होता है, मृग को इतना पता नहीं कि उसके नाभि में कस्तूरी है, तो फिर दौड़ता क्या है। कबीर साहब इस बात को इस रूप कहते, लेकिन तलगाजड़ा को लगता है जिसकी नाभि में सुगंध है ना वो इसलिए दौड़ता है कि मैं अकेला खुशबू न लूं, हर दिशा को सुगंध बांटूं।
इसलिए वो इधर गया इधर गया इधर गया। लोग कहते हैं ये एक खुशबू खोज रहा है, नहीं। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मुझे मुझे जो कुछ आने लगता है तो मुझे होता कि मैं कब मेरे श्रोताओं को मुझको उड़ेल दू, मृग इसलिए दौड़ता है, हो सकता है। समयांतरे बुद्ध पुरुष के वचनों को अनेक रूप से देखना पड़ेगा। जैसे कबीर साहब एक कहते हैं कि वो क्या है, चलती चक्की देख कर दिए दिया कबीरा रोए। दो चक्की चल रही थी तो कबीर साहब रो पड़े कि दो पाटनल के बीच में साबुत रहा ना कोई, तो चक्की जो अनाज पीसते तो साबुत नहीं रहा पूरा सब अनाज, दो पाटनल जन्म मृत्यु जायते मृयते वा कदाचिन्नायम। ये तो एक चक्र है, चक्की का चक्र है, गीताकार के जायते मृयते। तो हम जानते हैं कि चक्की जब चलती है तो सब दाने पिस जाते हैं, लेकिन कुछ दाने जो चक्की का जो खिला होता है बीच में उसके अगल बगल में आ जाते हैं, वो पिसते नहीं। वैसे जगत की चक्की चल रही है और उसमें मैं और आप कथा के खिले के अगल बगल में आ जाएंगे तो पीसे नहीं जाएंगे। इसीलिए लेकिन कबीर साहब कई अर्थ में एक ही संकेत में नहीं बोलते हैं, कई संकेत में। मुझे तो ये भी कबीर साहब आवाज देते हैं कि बेटा इसका एक अर्थ ये भी किया जाए, क्या कि दो पटर के बीच में जो आ जाएंगे वो ही आटा बन जाएगा, वो आटा बन के चूल्हे पर पकेगा, चूल्हे पर पक कर रोटी बनेगा, रोटी बनकर किसी भूखे का भोजन बनेगा। जो एक खिलो पकड़ी में बैसी जाए यमनम कोरान कोरा रही जैसे, उसको कुछ नहीं। ये भी तो हो सकता है साहेब, आपे से संकेत, ये सब संकेत है। बुद्ध की एक मुद्रा कितना बड़ा संकेत देती है, कितना। दादू साहब की एक उंगली उठती है कितना संकेत देती है। अंपायर कभी आउट नहीं कहता, केवल उंगली उठाता है और पूरा स्टेडियम गूंज जाता है तालियों से यदि सामने वाला की विकेट गिरे तो। संकेत संकेत संकेत। जोजन छेटे जय का शोधो नाभिनी कस्तूरी, पड़छायानी साथ पंडनी वही नहीं कहीं दूरी। पड़छाया न पंडे कहीं दूरी न हो, एक साथ ही होते नहीं दूरी। निंद्र मा रहो तो पाछो थाशे साव फजे तो। साहेब आपे से संकेत, चतुराई छूटे मेरी और आपकी, झूठ छूटे। बुद्ध पुरुष के पास किसी को तैयार करके अपनी दातारी की चर्चा मत वध करवाना, वरना संकेत चुक जाओगे। किसी को तैयार करके मत लाना कि इस भाई ने फला कथाकार की इतनी कथा करवाई, उसको क्या जरूरत है। आजकल ये बहुत चल रहा है इस कथा मत बहुत, हमने इतनी कथा करे, रहो घर, कथा करवाई तो क्या करवाया तुमने, तुम क्या करवाते, कथा तो मैं करता हूं, कथा तो मेरी पोथी बोलती है, मेरी व्यासपीठ बोलती है। तो बुद्ध ने कहा आनंद आज मेरे जाने के समय पर तू जार जार रो रहा है, क्योंकि तूने इतने समय मेरे साथ रहने के बाद भी मेरे संकेतों को नहीं पकड़ा, तू व्यवस्था में ही उलझा रहा। संकेत इशारे नहीं नहीं नहीं, तो बाप ये बड़ा प्यारा प्रश्न है। कहने का मेरा तात्पर्य, आप बात तो कुछ और थी कि गुजराती वाली बात थी कि किसी को समझने की कोशिश ही मत करो, छोड़ो यार,
कौन कहाँ बैठा, केवल व्यास पीठ पर मानहु निकर चकूर। व्यासपीठ मेरी और आपकी चंद्रमा है, पोथी मेरी और आपका दाग मुक्त पूर्णिमा का चंद है, जिसको कोई ग्रहण नहीं कर सकता, जिसको दो पक्ष में बांटा नहीं जा सकता कि शुक्ल पक्ष में वृद्धि और कृष्ण पक्ष में घटोती। चौथी वस्तु मेरे अनुभव में जो है सो मैं कह रहा हूं, आपने पूछ लिया तो संकेत समझने के लिए ये बहुत कठिन है। अपने बुद्ध पुरुष से कभी भी कुछ भी छिपाना मत, वरना होठों पर आया प्याला न जाने क्या किया मैंने, न जाने क्या हुआ मुझसे, जो कल मैं शेर कह रहा था। तो मैं तो ऐसे ही चल पड़ा जो आपने कहा कि तो नरसिंह मेहता को, गुजरातियों को समझने की कोशिश मत करो, न गांधी बापू समझ में आए न सरदार पटेल, जितने जितने अपने अपने क्षेत्र में जो गुजराती हुई है, दयानंद सरस्वती समझ में, मेहता नरसिंह और मीरा आखिरी समय में गुजरात में आई, उसको भी कौन समझे। केवल व्यासपीठ और वक्ता, वक्ता को भी ना देखो तो कोई, उसके वक्तव्य को सुनो, बाकी तो आमने मज रहेवानो से। ये नीलियो मने लखे, तमे बहु श्रोता ने चढ़ावो छो ने, पछी तमे आवो एना पहला अमारे बहु सहन करवू पड़े छे। अहीं कोई कोई ने बेसवा देतु नथी, घणा ने तो एम कहे के भाई कोक वडील आवे छे, कोक बुजुर्ग आवे छे, कोई पूज्य आवे छे, तमे उठो तो ये उठता नथी। एने एने कथा पूरी थाय त्यारे खुर्शी हारे आपी देवी, पराणे एना माथा ऊपर मूकी, आ तू लेतो ज जा, खुर्शी लेता जा। तो बाप कुछ असाधारणता जन्म से आती है, पतंजलि कहते शिवाजी को जन्म से असाधारणता आई, इसलिए गुजराती में लिखा गया पारणे पोढ़ी ने। तुलसीदास जी ने गीतावली में कई पद लिखे पलने के, लौरी के, आजकल माताएं लॉरी नहीं सुनाती है, मोबाइल पकड़वा देती है, और बच्चे भी ऐसे मोबाइल पकड़वा दो तो मानो इतना ध्यानस्थ होकर, अरे छोटे छोटे बच्चे को इतना आ गया तो मैं तो 78 साल में मुझे आया नहीं, वो तो फटाफट उसको जो देखना वो ये शुरू कर देता, खाना भूल जाए पीना भूल जाए। थोड़ा सम्यक बनो, थोड़ा सम्यक बनो, आप अपनी पीढ़ी बिगाड़ रहे। किसी साधु संत को आक्षेप मत करना कि इतने साधु संत हुए, लेकिन समाज समाज नहीं सुधरता, उसकी शुरुआत आपके किचन से हो रही है, आपके ड्राइंग रूम से हो रही है। सोचो थोड़ा समय निकालो ना बच्चों के लिए, और छोकरा भटूरिया ही तो पकड़ी पीछे बैठा बैठा ये नहीं मिला, आवड़ा आवड़ा ताबरी आई थी एम नो नो खर खुता है तो ओ बाप के माँ दौड़ी ना पास वरकू कर दे पास 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 गोटवाई जाए जाने। योग चित्त वृत्ति निरोधा, ऐसे सोचिए अगली नस्ल के लिए, अगली अगला जो ये जो जो दुनिया बदल रही है उसमें ये सब सोचना पड़ेगा। शिवाजी में असाधारणता, जन्म से सिद्धि क्यों, पारणे पोढ़ीन सांभळी ती शिवे राम लक्ष्मण नी वात रे, शिवाजी राम लक्ष्मण नी। पलने से जीजाबाई उसकी लौरी सुनाते, राम कथा सुनाती थी। माता जी ने मुख जे दी थी,
अन उड़ी एनी नींद तेरी। माता के मुख से जब शिवाजी ने राम कथा सुनी तो कहते हैं शिवाजी की नींद उड़ गई, पलने में खड़े हो गए। जीजाबाई कहती बेटा चकली भमरड़ी ये खिलौना ये टॉय ये जितना खेलना वो खेल ले, लेकिन एक समय भारत की संस्कृति के लिए तेली तारे हाथ रेवानी अनराती बम्बूल भवानी ए तेली तारे हाथ रेवानी शिवाजी ने नींद रुनावे माता जी जीवाए शुद्धो से बुद्धो से निरंजनो से संसार माया परिवर्जितो से संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यमुवाच पुत्र। जन्म से पतंजलि कहती है कई सिद्ध पैदा होते हैं, अभिमन्यु लो चले जाओ महाभारत में, कोठा युद्ध मां के पेट से निकलकर सिद्ध होकर अभिमन्यु निकलता, लेकिन थोड़ी जल्दी की तो चुक गया। चक्रव्यूह में जाने का तो उसके ज्ञान हुआ लेकिन लौटने का ज्ञान नहीं हुआ, और परिणाम महाभारत में कुछ विचित्र आ गया। अष्टावक्र मां के पेट से बोले मैं ये तो आपके सामने मैं सरलता से बातें करता रहूं, मुझे जो आनंद आता है सब लुटाता हूं, लेकिन मैं ये भी सोचता हूं कि हमारे देश के ऋषि मुनियों ने क्या चिंतन नहीं किया साहब। सिद्धि के पांच केंद्र जो बताए हैं, तो एक तो जन्म से सिद्धि मिलती है असाधारणता, बहुत असाधारण। कई छोटे छोटे बच्चे मुझे मेरे श्रोते, तो श्रोता हर प्रकार के मेरे श्रोता है, माताओं के गर्भ में हो चेतना हो तभी भी से श्रोता है, फिर गोद में लेकर कथा में आती हैं तब भी श्रोता है, कभी चलना सिखाती है तब भी श्रोता है, हर प्रकार के मेरे श्रोता है। सिद्धि कई लोगों को जन्म से प्राप्त है पतंग। दूसरा औषधि, औषधि से सिद्धि, कौन सी? रसायन सिद्धि औषधि से प्राप्त होती। रसायन सिद्धि बाबा विश्वामित्र जी के पास थी, ये महापुरुष ने औषधि से सिद्धि प्राप्त की थी। रसायन सिद्धि विश्वामित्र जी तो बहुत बड़ा कवर कर गए, लेकिन उसके पास एक गजब की सिद्धि रही थी औषधि, जिसको रस सिद्ध लोग कहते हैं, ऐसा वैद्य जो औषधि से सिद्धि प्राप्त करते। हमारे यहां एक ऐसी परंपरा थी वैदिक काल में कि जब औषधि के पास जाया जाता था किसी मरीज के रोग का निवारण के लिए, तो पहले औषधि की पूजा की जाती थी, और आप बताओ इस रोगी के रोग को निर्मूल करने की औषधि आप में हो, तो वैद्य पूजा करके कहता था हमको दो, ऐसे पूजा होती थी औषधि से। मंत्र पतंजलि भगवान कहते हैं मंत्र से सिद्धि प्राप्त होती है, कई लोगों ने मंत्रों से सिद्धि प्राप्त की। स्वामी रामदास जी ने 13 करोड़ मंत्र श्री राम जय राम जय जय राम का जपा और मंत्र सिद्धि प्राप्त की मंत्रों से। अमुक संख्या में आदमी का जप हो जाता है आदमी सिद्ध हो जाता है, मंत्र से सिद्धि प्राप्त होती। और फिर तप, तप से सिद्धि प्राप्त होती है, और आखिर में समाधि, जा समाधि से प्रकट हुई सिद्धि सिद्धयः। लेकिन ये तो मैंने आपको ये बातें कही, लेकिन ये सब कठिन लगता है
अब जन्म से सिद्ध हम हुए क्या पता, अब दूसरा जन्म ले तब भी क्या पता, और कौन औषधि से सिद्धि मिले हमें क्या पता, कौन से मंत्र से हमें सिद्धि मिले क्या पता, कैसा तप किया जाए को सिद्धि, और कैसी समाधि, समाधि के भी कई प्रकार हैं, सविकल्प निर्विकल्प, ये दो प्रकार तो जगत में प्रसिद्ध है, एक निर्विकल्प समाधि एक सविकल्प। एक पतंजलि के हर सोपान को वो करते करते समाधि, और एक हमारे पूज्य पाठ टाट बाबा अक्रिय समाधि, अक्रिय ध्यान, कुछ करना ही नहीं, अक्रिय किया वो फंसे। कई प्रकार की है समाधि, लेकिन हमारे जैसे के लिए आपकी मुझे खबर नहीं, मेरे लिए तो ये सब कठिन है। इसलिए मैं सालों से कह रहा हूं कि सिद्धि में मेरी रुचि नहीं, शुद्धि में रुचि। अब मुझे कहने दो, कई लोग जन्म से शुद्ध होते हैं, आप जन्म से शुद्ध है, उसके शरीर से निष्कासित हुए कुछ द्रव्य उसमें जन्म से गंध नहीं होती है, शुद्ध होते हैं जन्म से। कुछ लोग औषधि से शुद्ध होते हैं, कई औषधि ऐसी होती है कि आपको शुद्ध कर दे, आपके शरीर के समस्त विकारों को नष्ट कर दे, खास करके आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा, और हमें पता नहीं लोगों को इतना करते हैं, पूरी बॉडी को क्लीन कर दे, नस नस एकदम शुद्ध हो जाए, औषधि के कारण शुद्ध होना। कई लोग मंत्र से शुद्ध होते हैं, सिद्धि नहीं शुद्ध, शुद्धि मंत्र से, अपवित्रो पवित्रो सर्वावस्था, जैसे गंगा जल या कोई भी जल लेकर छिड़को मंत्र बोलो और तुम्हारी अपवित्रता गई, सब अपवित्र पवित्र में परिवर्तित हो जाए, मंत्र तप, तप करने से शुद्धि होती है। गर्म पानी शुद्ध कर देता है, ज्यादा ठंडे पानी से ना हो, इससे गर्म पानी से ना हो तो जल्दी ज्यादा गर्म पानी शुद्ध करता है। बर्तन ठंडे पानी से साफ करो, थोड़ा गर्म कुनकुना पानी से साफ करो, ज्यादा तपा करके शुद्ध होते, और जरा ठीक से तपाओ तवे पर तो रोटी सिद्ध हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, वो काची रहती है, गर्म से शुद्ध होता है तप और समाधि। समाधि का मेरा अर्थ है 24 कलाक घंटे प्रसन्न चित, 24 घंटों आठे पौर आनंद। अशोक का एक वाक्य है, दुख प्रसन्न रहना हमारी नियति है, हमारा प्रारब्ध है कि हम प्रसन्न हैं, क्योंकि हम आनंद स्वरूप परमात्मा के अंश हैं, दुख हमारा नियोजन है, हम पैदा करते हैं, हम निर्मित करते हैं। दुखी ही रहना है, छोटी छोटी बात में सब दुखी है, बोलो छोटी छोटी बात दुखी, कथा में ठीक से जगह न मिले तो पूरी कथा में दुखी, ये तुमने पैदा किया है, वरना कथा में तो जीव प्रसन्न रहेगा। प्रसन्नता ओशो के वाक्य, प्रसन्नता हमारी नियति है, उसको कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन दुख हम क्रिएट करते हैं, फला का स्वभाव ऐसा, दुख क्रिएट करते हैं, फलाने मेरी बात नहीं मानी, दुख क्रिएट करते हैं। तुम तप से शुद्धि और प्रसन्न चित, ये समाधि है मेरी दृष्टि में। हाँ, मैंने पहले दिन भी शायद कहा, या तो सहज 24 घंटों जागृत अवस्था में चित्त में जरा भी खरोच न हो तो ये चलती फिरती समाधि है। समाधि माने भूमि में चले जाओ, जल में चले जाओ, या तो कोई कैसी भी समाधि दे दे, अग्नि संस्कार। समाधि का मतलब है 24 घंटों जागृत अवस्था में कहीं मन में कोई खराबी ना आए, वो चलती समाधि है। इसलिए मैं गाता रहता हूं, हमारे अनुभाई ने लिखा कि साधु
चलता सरल सदग्रंथ है। साधु तो हलता चलता सदग्रंथ है, चलता शास्त्र है। सिद्धया, लेकिन शुद्ध होने में भी ये भाई जन्म से औषधि से मंत्र से तप से समझ, इसमें भी थोड़ा कठिन तो है। सिद्धि में पहला मैंने कहा कि ये भी कठिन है शुद्ध में, तो अब करे क्या। वो बाल रूप राम का नाम जपो सब सिद्धि सुना, जन्म वाली सिद्धि, औषधि वाली सिद्धि, मंत्र वाली सिद्धि, तप वाली सिद्धि और समाधि वाली सिद्धि। कल साहब पूरा पंडाल नाच रहा था, समाधि में थे, सब ट्रांस में थे। मुझे तो इस मंच का डर लगा कहीं बैठ न जाए, पता ना रहे कि हम कौन हैं, हम क्यों नाच रहे हैं। मुझे भी पता नहीं कि मैं क्यों उतरा भाई, मुझे क्या जरूरत थी। पीछे हम फरवा जी इनके पड़ी जाइए तो खबर नहीं रहती साहब क्या करें। एक ट्रांस में चले जाता है आदमी। तो ये पांचों पतंजलि भगवान वाली वेद का एक आग्रह है, वेद का एक बहुत प्यारा टुकड़ा, श्रद्धस्व सौम्य। हे सौम्य तू श्रद्धा रखकर सुन, वेद कहता है श्रद्धास्व सौम्य। कितना प्यारा, हाथ घुमाते घुमाते सिर पर पीठ पर अपने साधक को हाथ घुमाते, बच्चे की तरह माँ की तरह अपने आश्रित को ऋषि कहता है श्रद्धास्व सौम्य। हे सौम्य श्रद्धा से सुन, श्रद्धा से सुन। तो पतंजलि वाली सिद्धि अथवा तो मैंने जो शुद्धि की बात कही वो सब उपलब्धि सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। इसके एक नाम मात्र से सिद्धि, अब देखो नाम मात्र से जन्म सिद्धि हो जाएगी। जन्म सिद्धि क्या, यदि तुम न चाहो तो दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, चाहो तो आओगे। बाकी नाम लेकर तुम चाहो कि हमें नहीं आना है तो नाम तुम्हें मुक्त कर देगा, जन्म शुद्धि हो जाएगी। नाम रसायन है, नाम औषधि है। राम कथा स्वयं औषधि है, राम नाम जासु नाम भव भेषज। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के गंगा जल औषधि है। ये हमको कृत कृत करेगी, औषधम जानवी तोयम, ये सब हमें औषधि के रूप में हमें शुद्ध कर देगी। प्रभु की कथा, भगवान का रूप, परमात्मा का नाम और राम बोलने से, ये महामंत्र है, मंत्र से शुद्धि मिले। तो राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आपने लोकसभा में निवेदन सुना था हमारे वो भी गुजराती, हमारे आदरणीय भारतवर्ष के गृह मंत्री अमित भाई शाह, उसने एक सुंदर कहा था कि मित्रों महोदय, स्पीकर को कहते हुए, महोदय साहब अध्यक्ष महोदय, जय श्री राम का नारा ये आंदोलन का नारा था, मंदिर हो गया, अब जय सिया राम का नारा होना चाहिए। ये बोले, और जो हमारी पीढ़ियां शताब्दियों से बोल रही है, शताब्दियों से, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मुझे अयोध्या के एक समर्थ रामायणी जिसको हमने तुलसी अवार्ड से प्रणाम किया, वो बता रहे थे बापू ये जय सिया राम कहकर आपने एक नया षडाक्षर मंत्र देकर बहुत अच्छा काम कर दिया। ये षडाक्षर मंत्र राम रामाय नमः, षडाक्षर संस्कृत में ओम रामाय नमः, ये षडाक्षर पर सब लोग कहां बोल पाएंगे, इसलिए जय सिया राम छह अक्षर, ये विश्व का महामंत्र है। जय सिया राम बोलो, तो पूछी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे श्रोता गजब के हैं साहब,
આવા શ્રોતા કોઈને મળે નહીં સાહેબ. મારી પાસે જે સંપદા છે, ભલે કુછ ભી હો સાહેબ, આ મને નીલીઓ લખ્યા તમે બહુ ચડાવો છો શ્રોતાઓને, પછી આ લોકો બધા બહુ હેરાન કરે. ઠીક આપ જૈસા ભી કોઈ નહીં મિલે. યહાં સબ અપની ઇકાઈ મેં મૌલિક હૈ, સબ અપને અપને ઢંગ મેં. તો રામ રામાયણ ઓમ રામાયણ એ 6 અક્ષર કા મંત્ર મહાપુરુષ કે, લેકિન એ બોલને મેં જરા ભી મુશ્કેલ, ક્યોંકિ સંસ્કૃત મેં તો જરા ભી ઇધર ઉધર હો જાય તો કિતની તકલીફ હો જાતી. ભોજરા કા નિકલા ઓર એક લકડહારા લકડી કાટ કર નિકલા. તો ભોજરાજા ને કહા કિમ ભારત બાધતી, તને આ ભારાનો ભાર નથી લાગતો? બાધતી લકડહારા રૂક ગયા. ભોજરાજા તો મિલા રાસ્તો. અમારે દેશ મેં સાહેબ સામાન્ય કામ કરને વાલે ભી સંસ્કૃત કે વિદ્વાન થે, આપ કલ્પના કરો. और संस्कृत में जो थोड़ा बहुत पढ़े, जो ज्यादा पढ़े उसको तो महिमा, उसको तो प्रणाम ही करना. लेकिन एक परस्मय पदी होता है, एक पद एक आत्मनय पदी होता है, एक उभय पदी. ये जो थोड़ा पढ़े हैं उसको पता है. आपको आपको ध्यान में लेने की जरूरत नहीं, ये तो मैं मेरा स्वाध्याय कर रहा हूं. परस्मय पदी का अर्थ होता है जो दूसरे के लिए कहा गया हो, पर के लिए. आत्मनय पदी जो खुद के लिए कहा गया, और उभय पदे दोनों के लिए लागू होता हो ऐसा कोई वाक्य, उसके लिए संस्कृत में ये 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 है. तो कठियारा बोला कि न बाधती, आ तू बाधती बोलो ने एनो मने भार लागे से लाग, बाधते बोल बाधते बोल, ये बाधती का मुझे भार लग रहा. इतना जानने वाले, छोटी सी थोड़ी संग हो जाए तो उसने, ये श्लोक मुझे याद नहीं लेकिन हे राग्ना तुझे बाधती बोलो ने एनो मने बहु वजन लागे, आ लाकड़ा ना भारा तो केटला उपाड़ी लो. तो आम राम राम आए ओम राम एम कदाच मुश्किल. जय सियाराम. यद्यपि जय श्री राम आप बोले तो ये पंचाक्षर अर्थ मान लो, कोई चिंता नहीं, लेकिन हमारी लोकसभा ने भी स्वीकार किया जय सियाराम. एटलू कहू. और हमारा साधु समाज सदियों से साहब जय सियाराम ये षडाक्षर मंत्र है. तो मंत्र से राम महामंत्र है. जप ही तुम्हारा मंत्र राज तुम्हारी.
का नाम से भी शुद्धि हो जाएगी, सिद्धि हो जाएगी तप। और जितना हरि स्मरण ज्यादा करोगे तो तप आएगा। तप क्या आएगा? निंदा आएगी, गैर समझ आएगी, धिक्कार की वृत्ति पैदा की जाएगी, तिरस्कार आएगा, अपमान आएगा, आक्षेप आएगा, आरोप आएगा, चरित्र हनन होने लगेगा। इसमें टिके रहना कि मेरे पास राम है, मैं मेरी शुद्धि क्यों गवाऊं। ये तप आज कलयुग में और क्या तप करना। महात्मा लोग करते हैं पंचधुनी, हमारे गोबाग बाबा चारों ओर अग्नि लगा करके बैठ गए बाबा है तपस्वी, पण फोन आवड़ो मोटो राखे है ना, फोन बड़ा है ना? मोटो मोटो छे बाबा, बताओ तो जरा। लोग केटली मंत्र सिद्धि हे, मारो हजी आवड़ो नावड़ो फोन रो, एनो केटलो आवड़ो मोटो थई गयो छे। तप से सिद्धि, तप कौन सा? यही तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेत स्थिर मति। तमने घर ना न रहेवा दे साहब, एटला तमने तपस्या कर। अनिकेत तुमने घर ना न रहवा दे साहब, इतना तुम्हें सताए। हमारे सन्यासी बहन बेटिया जो सब आई, वो बार बार मुझे लिखते हैं कि हमारे बुद्ध पुरुष को बहुत सताया गया, जहर दिया गया, मारने की कोशिश कर दी गई, और उसके परम सभी बुद्ध पुरुषों की हालत हुई है, ये ऐसा सब हुआ है, क्या करें। देखो कोई भी व्यक्ति बुद्ध पुरुष हो कि बुद्धू हो, शरीर के साथ 6 विकार जुड़े हुए हैं। ऐसे महापुरुष अपने शरीर को देखते ही नहीं, क्योंकि शरीर के साथ 6 विकार है। पहला विकार शरीर का है उत्पन्न होना, उत्पन्न होना विकार है, जन्म विकार है। फिर हमारा अस्तित्व शुरू हो गया, ये आदमी जन्मा, फिर हमारा अस्तित्व फला का बेटा, फला का भाई, फिर जैसे जैसे हमारा हमारा होना, हमारी हस्ती, हमारी अस्थि एक दूसरा विकार है। जन्मे थे, जन्म ही एक विकार, फिर हमारा होना, हमारा दिखना, ये फला का दामाद है, फला की बेटी है आदि, ये जो स्थापित, ये दूसरा विकार। तीसरा विकार शरीरधारियों का है बदलना, आदमी बदलता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती आदमी बदलता है, शेप बदलता है, धीरे धीरे बदलता है। चौथा विकार शरीर का है बढ़ेगा, शरीर बढ़ेगा, आदमी की ऊंचाई बढ़ेगी। और भगवान कितना कितना एक अद्भुत कारीगर है कि हमारी ऊंचाई है ना, एक उम्र तक ही बढ़ती है। हम 20 साल के या तो जितने साल के अभ्यास का विषय, इतनी ही ऊंचाई तो इतने, उसके बाद रुक जाते। हम जन्मे तो इतने थे, फिर इतने बड़े हुए, फिर इतने बड़े हुए, फिर दौड़ने लगे इतने बड़े हुए, स्कूल जाने लगे दफ्तर लेकर के, तो इतने बड़े हुए, फिर जवान हुए इतने बड़े हुए, शादी के पंडाल में तो खबर नहीं कितने बड़े हो गए, खाक इतने बड़े हो गए, फिर इतने, फिर ऊंचाई बंद हो जाती है। परमात्मा की कारीगरी देखो, ये बढ़ना ही है तो बढ़ते ही जाते, तो पंडाल की ऊंचाई कितनी करनी पड़ती सब इतने होता तो मेरे लिए भी कितना, हम इतना इतने ऊपर उठ जाते तो प्रभु की गजब कारीगरी। बदलना और बढ़ना भी शरीर का विकार शास्त्रों ने फरमाया। और कम होना, अब देखो एक उम्र हो जाती शरीर क्षीण लगने लगता है, शरीर दुबला पतला हो जाता है एक समय, आदमी की तो कह सकते 10 साल पहले देखो तो कुछ होता है, उसके बाद धीरे धीरे घटना और आखिर में नष्ट होना। 6 विकार शरीर के ग्रंथकार। मेरे ऋषि मुनियों की ये बातें मैं इसीलिए आपके चरणों में रख रहा हूं कि आपको पता लगे कि ऋषि मुनियों का दर्शन देखो साहब, दर्शन देखो, इसमें कोई ना
काट सकता है ना कोई वृद्धि कर सकता है, ऐसे सूत्र। तो किसी भी बुद्ध पुरुष को ये सहना पड़े तो शरीर का धर्म है, वो तो नाचता गाता आता है, नाचता गाता चला जाता है। हाँ, पीड़ा जरूर होती है। सभी सद्गुरुओं को सताया गया इस दुनिया में, और क्योंकि ये लोग परमात्मा की दिया हुआ आनंद लेकर आए थे और आनंद करते थे, तो लोगों को अच्छा नहीं लगा कि तुम आनंद। मैं बार बार कहता हूं कि लोगों को और कोई तकलीफ नहीं है, ये की तकलीफ कि लोग आनंद क्यों कर रहे हैं, ये लोग नाचते क्यों, तेरे भाग में नहीं है, इसीलिए तुझे तो तेरी बीबी नचाएगी तब तू नाचेगी, वो नचाएगी, तुलसीदास जी ने लिखा है इसलिए बोलता हूं। नारी बिबस नरस कर गोसाई, नाचहि नटव कई धर्मों ने पाबंदी लगा दी कि गाना नहीं, संगीत नहीं, नाचना नहीं। अरे कई धर्मों ने कहा कभी मुस्कुराना नहीं, तो हमने मारी नाखवास, हमने झूमो गाओ नाचो, उधो गाओ गोपी गीत। जो कृष्ण को तकलीफ होती कि गीत नहीं, तो गोपियों गीत नहीं गाती। कृष्ण को कोई नृत्य करे उसकी तकलीफ होती तो ये महारास नहीं होता। किसी को कृष्ण को मुस्कुराहट पर आपत्ति होती तो मुस्कुराता नहीं रहता। ये परमात्मा ने जो संपत्ति दी है उसका सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ आस्थाओं के नाम पर उस पर पाबंदी लगा दी। परमात्मा ने संपदा दी है तो गाओ मुस्कुराओ, हाँ मर्यादा रहनी चाहिए, शील भंग नहीं होना चाहिए। आपको आपको पता नहीं, आपको तो ऐसा लगता है कि मुरारी बापू को आनंद ही आनंद है, क्या मौज में रहता है, लेकिन हम नीचे उतर करके राष्ट्र ले लेते हैं, हम कोई एक पंक्ति गा लेते हैं, हम मौज में रहते हैं, गवाते हैं बजवाते हैं, तो हमारी भी टीका होती कि ये सब क्यों, क्योंकि इन लोगों को तकलीफ ये है कि ये लोग मौज कर रहे। अरुण भाई दवे हमारे सनोसरा के मुख्य व्यक्ति, उसने एक प्रवचन में कहा कि आखिरी जो एक सर्वे हुआ दुनिया में उसमें 10 अबज कितने खोजे गए, कुल 10 अबज जीव खोजे गए, बाकी तो अनंत सृष्टि है, चारी खानी जग जीव अपारा, कितने हैं दुनिया, लेकिन 10 अबज साइंटिस्टों ने खोजा है, और 10 अबज जीव जंतु छोटे से छोटे लेकर जिब्रा तक ऊंट तक बड़े 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 सबकी जाँच की, 10 इनमें से प्रयोग हुआ है करीब, उसने कहा 40-50 करोड़ जीव पर प्रयोग हुआ। ये प्रयोग से हरीश भाई सिद्ध हुआ कि सब जीव मस्ती चाहते हैं, मौज चाहते हैं। और जब इस मौज जो आनंद, क्योंकि आनंद शास्त्रों में परमात्मा के कई नाम हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ परमात्मा का नाम हो तो आनंद है, आनंद आनंद। इसलिए मेरे वशिष्ठ जी ने वो सूत्र पकड़ा है, जो आनंद सिंधु सुखरासी सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्राम। आनंद, जो आनंद में रहता है वो समझो हमारा भाई नहीं परमात्मा है, जो आनंद में रहती वो केवल पत्नी नहीं है परमेश्वरी है, जो आनंद में रहता है वो मेरा बाप मात्र नहीं ये मेरा प्रभु है। लेकिन हमें आनंद में रहने की मना कर दी। हमारे विष्णु दादा विष्णु देवानंद गिरी, जिसका मैंने स्मरण बीच में भी किया, वो स्वाभाविक हमारे साधु कुल में तो गाना थोड़ा बजाना सुर पकड़े रहना ताल में रहना ये तो खानदानी में आता था, जींस में उतरता था। वो सन्यासी हो गए, महामंडलेश्वर हो गए ऋषिकेश के, अब गाए बिना रह नहीं सकते और संन्यास के कारण सब मना कर, नहीं गाना बजाना नहीं, ये तो सब रागात्मिका है, नहीं 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 नहीं, यहाँ तो बस मुँह चढ़ाई बैठो, न मुस्कुराओ न ना गाओ न ये करो, बस उदास एकदम एकदम गंभीर। तो फिर करे क्या, स्वभाव से विरुद्ध तो नहीं जाते। फिर अपने कमरे में जब जाते तब हारमोनियम रखते और कर्म हारमोनियम का सुर पकड़ करके नमामि शमीशान रुद्राष्टक गाते थे।
आज किसी ने मुझे पूछा, एक मिनट, अच्छा प्रश्न किसी ने पूछा, इनके बाबू काले तुम व्यासपीठ पर उतरी रास लीधो, એમ તમે એકલા રૂમ માં ત્યારે રાસ લઈ, તારે જાણી શું કરવું છે? એ પ્રશ્ન ગુજરાતી નો જ હોય, ગુજરાતી હી એસા બોલે તુમ કમરે મેં ભી નાચ, યે મેરા મૂડ કમરા મેરા મેરા ઠાકોરજી, મેં મુજે મજા આયે તો નાચું, મુજે મજા આયે તો રોઉં, મેં મજા આયે તો, પર મેને કઈ બાર કહા હૈ કે મેરા શિવ પ્રહર જબ શરૂ હોતા હૈ રાત મેં, तब मुझे मौज आए तो मैं, इसलिए मेरी कुटिया में करीब करीब दूर रखवाता हूँ ताकि रात को मैं कुछ गाऊं, कुछ ये करूं अगल बगल में, कि वरना लोगों को लगेगा कि मुरारी बापू का दिमाग खत्म हो गया लगता है, आम ये थोड़ोक आटलो आटलो रही उसे आटलो मगज आटलू ज रही उसे हमें वो जल्दी निकल जाए यार, क्योंकि वाल्मीकि जी कहते हैं राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, राम तत्व बुद्धि से पर है, बुद्धि राम तत्व को समझने की बाधा है। सही में आपने ठीक पूछा, मैं कभी मौज आए तो मैं ठुमका लगा लेता हूं, इसलिए मेरे कमरे में आना मत, आने भी नहीं दूंगा, लेकिन मेरा लाइफ स्टाइल एक शीशा रखवाता हूं, सबको पता है पूरा, मैं मेरा पूरा शरीर दिखे ऐसे, तो फिर मैं नाच ही निज प्रतिबिंब निहारी, मैं खुद को देख करके नाच भी लेता हूँ। रियाज तो कमरे में होता है, प्रस्तुति कथा में होती है, मंचन यहाँ हो रहा है, रियाज तो वहां होता है। आदमी को ऐसी मस्ती में रहना चाहिए साहब, 100 साल जी, इसका मतलब मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए, शील भंग नहीं होना चाहिए, भारतीय सभ्यता का कहीं स्खलन नहीं होना चाहिए, बाकी मस्ती में रहना कोई गुनाह है? गाना कोई गुनाह है? तो ऐसे महापुरुषों ने जगत को नृत्य दिया, मुस्कुराहट दी, हंसना सिखाया, जीवन का स्वीकार सिखाया, तो उसके लिए तो ये नौबत आएगी कि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो दादाजी हारमोनियम लेकर कोने में गा लेते थे, वो हारमोनियम उत्तर काशी से हमको मिल गया, वो हमको दे, हमने कहा कि मांगा तो नहीं मैंने, लेकिन कहा कि बापू ये तो आपकी वो है, आप ले जाओ, तो हमारे पास प्रसादी में हारमोनियम आ गए। परमात्मा नाचता है तो हमें क्या तकलीफ होनी चाहिए? बालराम जी दशरथ जी के आंगन में फर्श जो थी उसमें मणि मणि जड़ाई हुई, मणि मणि, और भगवान राम आंगन में दशरथ अजीर विहारी बनकर जब मणियों के सामने देखते थे तो अपना प्रतिबिंब मणियों में दिखता है, और उसी समय माँ कौशल्या एक दरवाजे की थोड़ा खोल करके राम की झांकी करती है, और राम क्या करते हैं, नाच ही निज प्रतिबिंब निहारी, अपना प्रतिबिंब देखकर मेरा ठाकुर जी नृत्य करता है। आत्मा नर्तक, ये सूत्र क्यों आया हमारे शास्त्रों में, तेरी आत्मा नर्तक है, आत्मा ही नर्तक है, तो ऐसी सब बातें जो है उसके विरोध में कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, न लगे। जे जाने ही ते जाने हूं स्वामी, बस जेने जे जाण वो ही जाने, इमा पड़बूत नहीं, जेने जे मानू वो माने, अनुभवी ने एटलू आनंद मारे वो, हरी नाम स्मरवा अने कोई ने कहीं न कहू, ऐसे जीना। तो बाप मंत्र शुद्ध करता है, राम नाम के समान मंत्र, षडाक्षर मंत्र जय सिया राम साहब, मंत्र शुद्ध करता है, तप, और जैसे जैसे बदन बढ़ेगा, साधना बढ़ेगी, आप मस्ती में जियोगे तो कुछ हस्तियों को तकलीफ होगी, और आपको कितना ही सताया जाए, जितना सताया जाए सताएंगे, तो हमें हमारा बुद्ध पुरुष जो दे गया उसका स्मरण करना चाहिए, क्योंकि शरीर पर तो ये सब होता रहेगा, क्योंकि शरीर 6 विकारों का भवन है,
जिसमें उत्पत्ति हस्ती बदलना बढ़ना कम होना और मर जाना ये छह विकार शरीर से जुड़े हुए हैं। पर बुद्ध पुरुष स्वयं चाहते हैं कि अब मैं सीमा में हूँ मिट जाऊँ, बहाने खोजते हैं और शरीर की सीमा से बाहर आ जाते हैं ताकि पूरे विश्व के हो जाते हैं। कई महापुरुषों को मार दी गए, ईमानदारी से करो वो मरे, आज इतने प्रस्तुत है कि उसके समय में इतने प्रस्तुत नहीं थे, आज इतने प्रस्तुत नहीं मर सकते। तो इसका गिला पीड़ा तो होती है कि अपने बुद्ध पुरुष को कोई ऐसा सताए तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बुद्ध पुरुष जानता है कि ये सब घटना घटने वाली है। तो जन्म से शुद्धि, भगवान राम के जन्म की कथा कल हमने गाई तो पवित्रता महसूस हो, जन्म से शुद्धि। औषधि औषधि मानी जासु नाम भव भेषज, राम का नाम औषधि, मंत्र महामंत्र राम का नाम, और तप दुनिया की हर चीज को सह लेना, मुस्कुराते हुए सह लेना, मौन रहकर सह लेना, और समाधि जा समाधि जा, प्रसन्न रहना, रोज आनंद में रहना साहब। हाँ जरा मुस्कुराओ, ये कभी जानी हमें जो मुस्कुराओ जरा एक दूसरे के सामने। मैं लखनऊ में कथा करने गया सालों पहले, एयरपोर्ट उतरा और जा रहा था लखनऊ में, जहाँ मेरा निवास तो मैं जा रहा, तो मैंने एक बहुत आश्चर्यप्रद घटना देखी कि जहाँ गाड़ी टर्न ले तो वो कॉर्नर पर एक होल्डिंग लगाया हुआ होता था, जरा मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में हैं। मैंने कहा ये अच्छा सूत्र है, फिर गाड़ी चले फिर दाई और बाई और मुड़, जहाँ भी देखो सीधा तुम्हें ये होल्डिंग तुम्हारे दिमाग में टकराएगा। हाँ तो मैं भी कहता रहता हूँ जरा मुस्कुराइए, कथा में हूँ, बड़ा मुस्कुराओ, एक दूसरे गुजराता हो, एक बीजा ने सामने जो थोड़ा स्माइल करो। मैंने एक पूरी कथा मानस क्या कर मानस मुस्कान पर की है, ऋषिकेश में सन्यासियों के बीच में, जहाँ मुस्कुराना मना, और हमारा ही आश्रम ऋषिकेश कैलाशर, और हमारे ब्रह्मलीन स्वामी आई आई भगवान विराज अच्छा जाना है ओके तो जाएगा अच्छा प्रणाम 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 माता जी प्रणाम। अच्छा बोलो जय सियाराम जय सियाराम जय सियाराम। तो मैं क्या कह रहा था यार, हमसे ना पी मालगाड़ी में बहु माल बिरण तेरे खड़ी जाए पाटा पर, हम काले एक गाड़ी खड़ी गई, अपनी धारा चलती है ना, तो पी आम थोड़े ट्रैक ट्रैक होते जाए। मानस मुस्कान पर एक कथा हुई है, और जीवन में कभी नहीं मुस्कुराए वो विद्यानंद गिरी मुस्कुराए, मुस्कुराना ये परमात्मा, ये कोई मुस्कुराहट के क्लासेज हमने अटेंड किया है, ये परमात्मा ने दी है मुस्कुरा। रोने का कोई क्लासेस अटेंड किए हमारे सदगुरु की याद में रोना, ये हमें को हमें जन्म जात मिला है। नर्तन ये माँ के उदर में भी उसका रियाज होता था, बच्चा पेट स्टेप लेता है माँ के उदर में, चरण प्रहार करता है माँ, उसे सब होना चाहिए। हमको ये क्योंकि हम आनंद में रहते हैं ये सबको तकलीफ हो जाती है। परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम है आनंद, राम सच्चिदानंद दिनेशा, भागवतकार कहते सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्यादि हेतवे तापत्रय
विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। तो तप और तो केवल परमात्मा के नाम से सब सिद्धि सुलभ हो जाती है। शिव जी कहते हैं वो बाल राम की मैं वंदना करता हूं। शेर भेजे हैं उसका सदुपयोग कर लूं। अच्छे शेर हैं सुनिए। कोई दुनिया में चेहरा देखता है, कोई लोग दुनिया में चेहरे देख लेते हैं, कोई दुनिया में चेहरा देखता है, कोई किसी के चेहरे में पूरी दुनिया को देखता है। कोई दुनिया में चेहरा देखता है, कोई चेहरे में दुनिया देखता है, तेरी आंखों में बस ये देखता हूं। हे मेरे बुद्ध पुरुष, मैं तेरे आंखों में यही देखता हूं, तेरी आंखों में बस ये देखता हूं कि मेरी आंखों में तू क्या देखता है। तेरी आंखों में सिर्फ मैं ये देखता हूं कि मेरी आंखों में तू क्या देखता है। फहमी बदायूं साहब का शेर है। कल टेलीफोन पर एक शेर मुझे सुनाया गया था, मेरे बारे में मुझे छोड़कर सबसे पूछा गया, मेरे बारे में मुझे छोड़कर सबसे पूछा गया, उसको आया ही नहीं मुझ पर भरोसा करना, उसको आया ही नहीं मुझ पर, मुझे छोड़कर सबको पूछा, अरे मुझे पूछ लेते लेकिन उसको भरोसा करना आया ही नहीं, चुक गया। तो ये भी एक शेर। तो बाप मानस राम मंदिर के बारे में जो कुछ गुरु कृपा है वो प्रस्तुत हो रही है। अब क्रम कथा का जो समय है हमारे पास, इसमें कथा का क्रम आगे बढ़ाऊं। इससे वाल्मीकि जी ने भगवान की बाल लीला के बारे में इतना प्रकाश नहीं डाला है, हाँ जरा भी नहीं, गोस्वामी जी ने विस्तार किया है, वो भी कम। भगवान कृष्ण की जो बाल लीला होती है उसकी तुलना में तो बहुत कम है, लेकिन वाल्मीकि जी ने तो इसको ज़्यादा नहीं उठाया है। तो भगवान राम ने, मानस के राम ने, हमारे हृदय के राम ने
हमारे परब्रह्म राम ने, हमारे ईश्वर राम ने, हमारे परमात्मा राम ने, हमारे भगवान राम ने, हमारे परम तत्व राम ने, हमारे परात्पर ब्रह्म राम ने कौन सी बाल लीला की, उसके कुछ संकेत गोस्वामी जी ने जरूर दिए। लेकिन इस कथा का दौर में आगे बढ़ाऊं क्रम में, इससे पहले 2-5 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करें भाव से और भीतर से। और मेरी प्रार्थना है कि आप बैठे बैठे ही कीर्तन करना, क्योंकि आपकी मस्ती में समझता हूँ, लेकिन आप उठ जाएंगे तो सब उठ जाएंगे, फिर सब उठ जाएंगे तो मुझे भी उठ कर नीचे आना पड़ेगा, और ये फिर खबर नहीं कहाँ से कहाँ हम पहुँच जाएंगे। इसलिए बैठे बैठे ही संकीर्तन भाव से करिएगा, प्रेम से करिएगा। श्री राधे। ठीक से सुनिएगा और ठीक से गाइएगा प्लीज। श्री राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे, श्री राधे। सब गाइए हरि बोल।
राधे राधे श्री राधे में, रमण रेती में।
जय जय प्रभु नंद कुमारों में स्वामी वृषभानुजा कृतार्थो हम न संशय। तो कल हम सब ने भगवान राम के प्राकट्य का थोड़ा उत्सव का रस लिया। उत्सव एक महीने तक चला ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा है। भगवान सूर्य अपने सूर्य वंश में प्रकट हुए परमात्मा के दर्शन के लिए रामनवमी के मध्यान्ह के समय जो दर्शन कर रहे थे वो वहां ठगे से रह गए। एक महीना बीत गया, रात हुई ही नहीं। इस भाव समाधि में लोग डूबे कि काल पता ही नहीं रहा। ये तो प्रकृति का नियम है कि सूरज निकले मध्यान्ह का हो अस्त, लेकिन एक महीना तक सूरज डूबे ना, ये स्वाभाविक बुद्धि स्वीकार न करे। लेकिन आदमी जब भाव में होता है तब समय कैसे बीत जाए पता नहीं लगता है। संयोग में समय जल्दी बीत जाता है, वियोग में एक घड़ी एक युग की हो जाती है। ये नियम है। आज राम के संयोग में अयोध्यावासी है, ऋषि मुनि है, सब है। तो एक महीना कैसे बीता पता नहीं। मैं फिर एक बार ये बात दोहराऊं कि हमारा तो कायम का अनुभव है कि राम कथा गाते सुनते बजाते नाचते 9 दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं रहता। 3-4 घंटे कैसे बीत जाए पता नहीं रहता। तो आज भगवान राम मौजूद नहीं है, केवल उसकी राम कथा हमारे पास है और इसमें 9 दिन का पता नहीं रहता। तो साक्षात परमात्मा जब प्रकट हुए हो तब 1 महीने तक इस भाव जगत में लोग डूब गए हों, रात हुई ही नहीं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, सीधी सी बात है। कथा कहते कहते भगवान शिव जी ने पार्वती को कहा, देवी डर तो लग रहा है लेकिन एक बात तुम्हें बताऊं, क्या कि राम का प्राकट्य हुआ ना तब हमने एक चोरी की। महाराज आप तो बड़े उदार हैं, आप चोरी भी करते हैं, लेकिन एक बार की। क्या चोरी? चोरी मीन्स किसी की वो कोई चीज ले ली, ऐसी बात नहीं। चोरी मीन्स आपसे मैंने एक बात छिपाई, मतलब प्रभु का प्राकट्य हुआ तब मैं अयोध्या गया प्रभु के बाल रूप का दर्शन करने के लिए। आपने मुझे पूछा कि आप कहाँ जाते हैं तो मैंने आपको बताया। कोई बात अपनी प्रिय व्यक्ति से छुपाना वो भी चोरी है, सीधी सी बात। तो मैंने बात छुपाई, ये मेरी चोरी। पार्वती ने कहा कि आप अयोध्या गए राम दर्शन के लिए, तो मुझे ले जाते तो बोले आपको मैं एक बार कथा में ले गया था ना तो बड़ी झंझट पैदा हो गई थी, मैं दूसरा ये खतरा मोलने के लिए राजी नहीं था। क्योंकि उस समय राम सीता को खोजते खोजते रो रहे थे और आपने शंका किया सती के शरीर में कि ये काहे का ब्रह्म है, और अब तो राम स्वयं बालक बन के रोते ही होंगे और फिर तुम्हें ले जाऊं और तुम शंका करो कि ये काहे का ब्रह्म है, तो फिर एक नई झंझट। इसीलिए मैं आपको बिना बताए गया और हर जगह पत्नी को साथ में। हर एक जगह ना ले जाना चाहिए, और हर एक माताओं को भी हर जगह अपने पति को भी साथ में नहीं ले जाना चाहिए। बैलेंस करो, तराजू लेकर बैठो, उसको भी करना चाहिए। तो पार्वती ने कहा कि आप मुझे नहीं ले गए, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कोई दूसरे को ले गए थे? ये नारी स्वभाव। हाँ एक को ले गए थे। ये कौन, ये बताओ, ये कौन था कि थी, ये जल्दी बताओ, ये बताओ कौन? बोले वो और कोई नहीं, मेरा काकभूषुंडी जी को ले गया। काकभूषुंडी जी को? अच्छा, तो फिर क्या किया आपने? मैंने ज्योतिषी का रूप बनाया और काकभूषुंडी जी को मेरा चेला बनाया। इरादा ये था कि अयोध्यावासियों की भविष्य की और भूतकाल की बातें बता करके हम
माँ कौशल्या तक बात पहुंच जाए तो हमें मंदिर में प्रवेश मिले और मैं रामलला का दर्शन कर सकूं। तो हम मैं ज्योतिषी बना, मेरे मैंने अपना नाम रखा शंकर दत्त शर्मा और भुसुंडी का नाम रखा भुसुंडी दत्त शर्मा। ये मेरा चेला बना और चेले को मैंने कहा तुम अयोध्या में मेरा प्रचार कर। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ ज्योतिषी आए हैं जिसको अपनी हस्तरेखा, अपनी उदर रेखा, अपनी बाल रेखा जो भी दिखाना हो, पैर की रेखा दिखाओ। और बाबा कभी निकलते नहीं कैलाश से, पहली बार प्रचार शुरू किया और लोगों को शिव जी सब बताने लगे। और ये बात राज मंदिर में पहुंची, माँ कौशल्या ने शिव जी को बुलाया कि मेरे लालन का भविष्य भी बताए। अंदर गए, अद्भुत बालक। तो भगवान शिव से माँ पूछती है कौशल्या जी कि जरा बताइए मेरे बालक का भविष्य बताइए। तो शिव जी ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, थोड़ी आंखें कमजोर हैं, तो तुम्हारे लालन को मेरी गोद में दो। माता को डर लगा कि बाबा का क्या भरोसा, गोद में दूं और लेकर चला जाए तो, एक जन्म के बाद इतनी तपस्या के बाद हमें मिला है ये। माँ कौशल्या ने गोद में दिया, शिव के अंक में राम आए, महादेव के नेत्रों से अश्रु प्रवाह शुरू हुआ। और माँ तेरा बेटा बहुत महान है, क्या नहीं है इस बालक में? महाराज आगे बोलो। बोले माँ ये बालक जब कुमार अवस्था में आएगा तो एक महात्मा तुम्हारी अयोध्या में आएगा, हाँ, और फिर ये महात्मा तुम्हारे बालक की मांग करेगा। फिर क्यों मांगे? बोले आपको देना भी पड़ेगा, लेकिन क्यों? पूरा सुनो, ये महात्मा आपके बालक को ले जाएगा कुमार अवस्था में और फिर ये तुम्हारा बालक एक बहुत बड़ी राजकन्या से ब्याह कर लौटेगा। हाँ महाराज, तो ठीक है, तो आगे देखो, आगे देखो। क्योंकि कोई भी माँ को अपने बेटे की शादी की कोई बात करे तो बहुत अच्छा लगता है, बाद में सब चिल्लाती है। अच्छा अच्छा महाराज, तो आगे बढ़ाओ। और फिर आगे की कथा, जब शिव जी बताने गए तो भगवान राम गोद में खेलते खेलते भोले बाबा की दाढ़ी खींची कि खबरदार आगे की कथा सुनाई तो, आप मेरे वनवास की कथा शुरू करोगे तो मेरी माँ अभी से रोना शुरू कर दे। गोस्वामी जी के पद में सी ये स्वयं वरगायो वहाँ तक की बातें लिखी है। माँ बहुत प्रसन्न हुई, बहुत दक्षिणा दी और शिव जी कहते पार्वती मैं प्रभु का दर्शन करके लौटा। पार्वती ने कहा आप मुझे नहीं ले गए, मैं तो भव भव विभव पराभव कारिणी हूँ, सदा स्वतंत्र शक्ति हूँ, आप जाते हैं तो हम कोई कम है, मैं भी जा रही हूँ अयोध्या और आपको साथ में नहीं आना। शिव जी ने कहा मुझे आदत है, तू राम की परीक्षा करने गई तब भी मुझे कहाँ साथ ले गई थी, जाओ अब जाओ। और पार्वती खिलौना बेचने वाली का रूप लेकर राम भगवान के दर्शन के लिए ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं संत लोग कथित करते हैं। धीरे धीरे ये बालक बड़े होने लगे। माँ कौशल्या एक दिन पलने में सुलाकर बाल राम को नहलाया, पीत छोटे छोटे जबले पहनाए, पैर में नूपुर बांधा, कटी भाग पर करधनी, सुंदर श्रृंगार किया ठाकुर जी का, दूध पिलाया बालराम जी को और पलने में सुला करके छोटी सी लॉरी सुना दी और माँ को लगा कि राम सो गया। तब माँ अपने इष्ट देव की पूजा करने के लिए मंदिर में गई, भगवान को नैवेद्य अर्पित किया और कुछ रह नहीं गया वो देखने के लिए, फिर रसोई घर में गई और फिर लौटी तो माँ कौशल्या ने देखा वहाँ भगवान राम भोजन कर रहे हैं। कौशल्या जी सोचती है कि अभी तो पलने में है, ये यहाँ भोजन करने कैसे आ गए? दौड़कर पलने के पास गई तो वहाँ बालक सोया हुआ देखा, यहाँ आए तो भोजन करता है, यहाँ सोया है। इस बात को देखकर माँ भ्रमित हुई है कि ये क्या, यहाँ वहाँ दो बालक कैसे, ये मेरी मति की कोई भ्रमणा है कि कुछ और है, ये क्या है? उसी समय भगवान राम ने अपनी जनेता को अपना विराट रूप, अद्भुत रूप का दर्शन कराया है। माँ कौशल्या ने इस झांकी की,
माँ चुप हो गई, थोड़ी उदास भी हो गई। भगवान ने पूछा, माँ क्यों ऐसे आंखें नम हो गई? बोले महाराज, मुझे ये होता है कि इतना ब्रह्मांड पुरुष मेरा बेटा, ये कौन मानेगा? और ये एक कैसे, मैंने तुमको सुत माना, जगत पिता को मैंने बेटा माना, और कभी दूध पिलाया, कभी नहलाया, कभी वस्त्र परिधान करवाया, कभी सुलाया, ये मेरी चूक है। तब प्रभु ने कहा, माँ मैं जगत के लिए परमात्मा हूँ, तेरा तो बेटा ही हूँ। माँ को ढाढ़स दी। ऐसी सुंदर लीलाएं भी गोस्वामी जी ने लिखी है। कवितावली में भी थोड़ा संकेत है, तुलसी मन मंदिर में बिहरे, ऐसे कवितावली के दो तीन, ऐसा राम ऐसा बाल राम कहीं ना जाए, तुलसी मन मंदिर में बिहरे, मेरे मन के मंदिर में वो राम घूमते रहे, ऐसे कवितावली के भी पद उपलब्ध है कुछ। अब भगवान राम चार पैर से चलना सीख गए हैं, जान पान विचरण मोहि पाए, चार पैर से चल रहे प्रभु। धीरे 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 ये चारों भाई बड़े होने लगे और अब खड़े होकर चलने की कोशिश करे। ब्रह्म है, लीला है, प्रभु का बाल चरित्र है, बहुविध किया है। अयोध्या के राज प्रासाद की दीवाल को छूकर भगवान चलना सीख रहे हैं। मैं कहा करता हूं कि जब मेरे ठाकुर नंगे पैर दीवार को छू करके चलने की कोशिश कर रहे, तब हिमालय की कंदराओं में, नैमिष में, उधर आबू में, उधर चित्रकूट में, जहां जहां महापुरुष साधना कर रहे हैं, वहीं से सब महात्मा लोग कौशल्या के द्वार पर भिक्षा के बहाने आ जाते हैं। माँ हमें भिक्षा दो। कौशल्या जी फल फूल लेकर इस अमलात्मा महात्माओं को भिक्षा देने के लिए जाते हैं, तब पूछती है, महाराज ये तो हमारा सौभाग्य कि आप आए, हम भिक्षा तो दे, लेकिन महाराज आपका चेहरा देखकर आप मांगने आए ऐसा दिखता नहीं, आप किसी से मांगे ऐसा लगता नहीं, कुछ और दिखता है। महात्माओं ने कहा, माँ तो सच है, हम साधना छोड़ करके, समाधि छोड़ कर तेरे द्वार आए, मतलब ये तेरे लालन को दीवार को छूकर चलते देखते हैं ना, तो हमें ये होता है कि हम महात्मा हुए, इससे तो बेहतर था तेरे भवन की दीवार बन जाते हैं, तो परमात्मा का हाथ हमें छू लेता, परमात्मा का हाथ हमें स्पर्श कर लेता। और ये भाव स्वाभाविक है। भगवान कृष्ण जब नंगे पैर चलना सीखे, तो हमारे सौराष्ट्र का उस समय के पद्मश्री दूलाभाया काग बापू लिखते हैं कि काग तारा फड़िया मां फरे अणवाड़, अणवाड़ो गुजराती शब्द है, बिल्कुल तड़पदी, बिना जूते बिना खुले पैर, हे यशोदा ये कृष्ण ये गोपाल तेरे आंगन में बिना जूते घूम रहा। काग तारा फड़िया फरे आणवाड़ो, तारा पगथिए सर जाणो नहीं हूँ तो पाणो, ताजी तारा कहता है कि हे माँ हम परमहंस हुए, इससे तो बेहतर था कि तेरे आंगन में जो कृष्ण बिना जूते खेल रहा, तेरे आंगन के सोपान का मैं पत्थर बन जाता, तो परमात्मा की चरण रज हम पर गिर जाती। माड़ी तारा केतला के जननी परमहंस कहते हैं, माँ हम तेरी दीवार के पत्थर होते,
तो राम हमें छू लेता, हम भिक्षा के लिए नहीं आए हैं, तेरे लालन की झांकी करने आए। प्रभु दो पैर से चलना सीख गए, अब तो स्वतंत्र चल रहे, नाच रहे। कब कब हूँ शशि मांगत, गोस्वामी जी का पद है, कभी चंद्रमा मांगते, माँ माँ मुझे चांद ला दो, चांद ला दो। अरे कौशल्या का मैं कैसे चांद लाऊं, कहाँ से लाऊं, कविता वाली का पद है, मुझे चांद ला दो, ला दो कविता वाली। एक मिनट, हाँ कब हूँ शशि मांगत आरी करे, कब हूँ प्रतिबिंब निहारी डर, कब हूँ कर ताल बजावी नाचत मात सबे मन मूद भर, कब हूँ ऋषि आए कहीं हटी के तुम लेत सोई गई लागी अरे। ए अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में भी हरे, तुलसी मन मंदिर में भी हरे, तुलसी मन मंदिर में भी हरे। तन की द्युति शाम लोचन कंज की मंजुल ताई हर, अति सुंदर सोहत धूरी भर छबि भूरी अनंग की दूरी है, दम के देती आदुती दामनी जो कैल के कल बाल विनोद करे। अब देश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में भी हरे, तुलसी मन मंदिर में भी हरे। कभी कभी बाल राम चंद्र को मांग करते हैं, सभी माता दौड़ आती है और राम जीत करते, रोने लगते मुझे चांद दो, मुझे चांद ला दो। फिर सुमित्रा कौशल्या को कहती है कि माँ मैं अभी व्यवस्था कर देती हूँ, और सुमित्रा जा करके चांदी के एक बहुत बड़े थाल में सरयू का जल भर करके आंगन में रख देती हैं, और पूर्णिमा के चंद्र का प्रतिबिंब जब ये पानी में दिखता है तब राम जी खुश हो जाते हैं कि मत मुझे चांद आपने दे दिया। कब हूँ शशि मांगत कब हूँ प्रतिबिंब निहारी डरे, कभी कभी खुद का प्रतिबिंब नाचते हुए मणि के फर्श पर मणि लगे हुआ नाचते हुए खुद का प्रतिबिंब, तो राम डर जाते हैं, ये दूसरा राम कौन, ये मेरे जैसा कौन है, डरे। कब हूँ शशि मांगत आरी करे, कब हूँ प्रतिबिंब निहारी डरे, कब हूँ कर ताल बजाए के नाचत, दोनों हाथ से न चल नाच रहे मेरे ठाकुर, करताल बजाते हो दोनों हाथ बजाते हो। कब हूँ करताल बजाए के नाचत मात सबे सब मन धरे, और सभी माताएं आनंद में डूब जाती है कि मेरा लालन अपनी ताली का करताल बजाकर कैसे नाता नाचता। कब हुई ऋषि आई कहे हठी के पुण, कभी रूठ जाते हैं राम जी, रूठ जाते हैं मुझे ये चीज ला दो, मुझे ये ला दो, एकदम रूठ जाते हैं, और ऐसे रूठते हैं कि लिए बिना छोड़ते नहीं, देना ही पड़ता है, ऐसा कभी रूठ जाते हैं कभी हंसते हैं। अब हूँ किसी ऋषि आई कहे हटी के पुनी लेत सोई यही लागे अरे, अब देश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में भी हरे, तुलसी मन मंदिर में भी हरे। बार दंत की पंगति कुंद कली अधया धर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन दी जगे छवि मोतन मन अमोलन की, ए घुंघुरारी लट लट के ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, नेव छावरी प्राण करे तुलसी बलि जाऊं ललाई बोलन की, बलि जाऊं ललाई बोलन की, बलि जाऊं ललाई बोलन की। कंजनी मंजू बनी तन ही तन ही सर पंकज पानी लरिका संग खेलत डोलत है सर जुतत चौहत हाथ की, तुलसी अस बालक सो नहीं ने कहा जप जो समा। तुलसी कहते ऐसे राम बालक में जिसने प्रेम न किया उसने जोग और समाधि करके क्या खाक समय बिताया, इसमें तो इससे प्रेम कर लेती तो बात बन जाती। नरवेसर बहुत बहुत कड़ा रुक लिया कि जोग समाधि आदि आदि किया और इस बाल राम में प्रेम नहीं किया तो वो कैसे नरवेखर। ये तुलसीदास जी कह रहे वो सब गधे हैं, खर हैं, वो सुकर है, वो स्वान है, नरवेखर सुकर स्वान समान
कहो जन में फलू कौन जिए, कहो जन में फलू कौन जिए। सरजू सरजू बरती रही तीर फिर, रघुवीर सखा अरुवीर सब, तनु ही कर तीर निशंग कस, कटि पीत दुकुल नवीन सज। तुलसी के ही ओसर लावनी ता दस चार, नौ तीन इक्कीस सब, मति बार पंगु भई जो निहारी पिचारी। ये सब बड़े रहस्यमय पद है, गुरु मुख से सुनना पड़ता है। तुलसी क्या कहते हैं, सरजू के तट पर तुलसी तेही अवसर लावनीता दस चारी, चौदह, दस चारी मानी चौदह, चौदह लोक में उसकी वो चली जाती थी। दस चारी नौ, नौ नौ वस्तु, फिर तीन, फिर तीन इक्कीस, परमात्मा के ऐश्वर्य की जो इक्कीस घटनाएं हैं, ये तुलसीदास जी ने पूरे शास्त्र उतारे। तो ऐसी बाल लीला ठाकुर, तो अब मेरा ठाकुर दो पैर से स्वतंत्र रूपेण चलना सीख गया। एक बार क्या हुआ, महाराज दशरथ जी दरबार से आए और सोने का पाट लग गया, भोजन की तैयारी है, महाराज विराजमान है और कौशल्या जी अन्य रानियां परोस रही है। इतने में राजा पूछ रहे कि राम कहाँ है, ये सब कहाँ है, इसको बुलाओ। तो कौशल्या जी कहती है हम तो परोस रहे, आप बुला लो ना, अभी यहाँ खेल रहा है। और तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं भोजन करत भूला राजा, भोजन करत भूला नहीं आवत तही लाल समाधा, नहीं आवत भोजन करने के लिए दशरथ जी बुलाने जाते हैं तो बालकों का संग छोड़कर मेरे बाल राम आते नहीं, नहीं नहीं नहीं, हम बालकों के संग रहे। बालक जो देखो बैलक का अर्थ क्या होता है, बैलक उर्दू में ले, लक तो अंग्रेजी शब्द है लेकिन बैलक का तो दुर्भाग्य, भाग्यहीन हो जाए। बालक किसको कहते हैं, लक वाला भाग्यशाली, मेरा राम बालक है। बंदव बाल रूप सुहिष्ट देव मम भाग, अत्यंत भूरी भाग है मेरा ठाकुर जी और उसको भजे वो भी भूरी भाग। तो राजा बुलाने जाते हैं तो बालक का संग छोड़कर प्रभु आते नहीं। अब पिता बुलाए और राम आज्ञांकित है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, चलो बचपन है तो बात, और फिर भी राम का बचपन भी तो पूर्ण होता है, तो पिता राजा बुलाए और पकड़े ना जाए, इतने वयोवृद्ध राजा और अभी तो बामुश्किल चलना सीखे, पकड़ नहीं पाए। दादाजी कहते थे राजा बनकर पकड़ने गए इसलिए पकड़ गए, ईश्वर को कोई सत्ता लेकर, कोई पद लेकर, कोई राजा का मद लेकर पकड़ने जाए तो हरि पकड़ में नहीं आएगा। तो अब करे क्या, कौशल्या जी को कहा कि ये तो पकड़ में नहीं आ रहा, एक व्यक्ति के रूप में दशरथ जी पकड़ने गए तो नहीं पकड़े गए। कौशल्या जी को कहा आप कुछ करें, तुलसीदास जी ने पंक्ति लिखी, कौशल्या जब कौशल्या बुलाने गई, रसोई की बात छोड़ दी और गई, राजा से नहीं पकड़े गए, कौशल्या जब बोल, कौशल्या भी व्यक्तिवाचकता है, तो थोड़ा मधुर प्रसंग कर दिया। राजा पकड़ने गए तो बालक को छोड़ करके सीधे नहीं नहीं हम नहीं आएंगे, लेकिन माँ पकड़ने गई तो कौशल्या जब बोलन तो ठुमक ठुमक प्रभु चले, थोड़ी मधुरता आई, ठुमकाते हुए दूर जाते हैं, मुस्कुराते हैं, माँ दौड़ती हैं, लेकिन कौशल्या के हाथ में भी राम पकड़े नहीं गए। क्यों, वो अभी भी व्यक्तिवाचकता है। तीसरी पंक्ति में निगम ने ती शिव आई धरे जननी हटी, वेद जिसको नेति कहे, शिव भी जिसका अंत न पा सके उसको जनेता बनकर पकड़ लिया, कौशल्या बनकर भी नहीं पकड़, जब जननी बनी तब प्रभु पकड़ में आ गए। धूल से दूसरी शरीर है कौशल्या ने, दूसरा अर्थ ये होता है कि दशरथ ज्ञान है
कौशल्या भक्ति है। ज्ञान ईश्वर को पकड़ नहीं पाता, देख सकता है, दौड़ दौड़ बहुत करता है, ज्ञान थक भी जाता है, पकड़ नहीं पाता। ईश्वर को पकड़ तो भक्ति ही कर सकती है, कौशल्या ही उसको पकड़ लेती है। ज्ञान में थकावट आ जाती है, भक्ति ही ज्ञान परमात्मा को ज्ञान की गोद में बिठा देती है। तो दूसरे शरीर है और महाराज दशरथ जी के गोद में भक्ति ने ज्ञान की गोद में ईश्वर को रख दिया। अब भोजन शुरू हुआ। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्मागनो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन, मंत्र बोल करके भोजन शुरू करने लगे महाराज दशरथ जी। गोद में ठाकुर जी बैठे, धूल दूसरी। जब तक भोजन करते करते महाराज दशरथ जी की दृष्टि और चित्तवृत्ति राम में रही जो अंक में बैठा है, तब तक प्रभु बैठे रहे। लेकिन जब राजा को भोजन के षड रस में आसक्ति चली गई, कहा ये गुलाब जामुन बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये भजिया बहुत अच्छा है, ये बड़ा नमकीन है, ये बड़ा तिक्त है, ये बड़ा ये है, ये भोजन में जब रुचि गई और राम को भूल गए, तो भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए। चपल चित से भोजन करने वाले हमारे बाल राम जी अवसर पाते ही भाजी चले, तुलसी कहे गोद से निकल। हमारी गोद में रहा परमात्मा तब चला जाता है जब उसकी मधुरता छोड़कर हम पदार्थों की मधुरता में रुचि लेने लगते हैं। ये भोजन के पदार्थ में जब रुचि हुई तो भाजी चले किलकत प्रभु, पर भगवान ऐसे दौड़े, क्या सुंदर छवि है, दधि ओदन लपटाए। प्रभु दही भात खाते थे, दही भात हाथ भी दही भात वाला, होठ भी दही भात वाला, और भगवान दौड़ गए। ऐसी सुंदर एक तो लीला भी है और आध्यात्मिक संदेश है। ऐसा छोटे बड़े प्रसंग अयोध्या में चल रहे। अब तो भगवान कुमार अवस्था में आए और अब उनके नामकरण संस्कार की बात भी तो बहुत ज़्यादा तो नहीं उठाई, लेकिन नामकरण संस्कार के गुरुदेव आए और चारों का नामकरण किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक, जो पूरे जगत को आराम देगा, विश्राम देगा, अभिराम देगा, आराम विराम देगा, उसका नाम राम रखा, जो आनंदमय है। और विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत, जिसके नाम से जगत का भर। देखो राम में काना है, लक्ष्मण में जोड़ाक्षर है, शत्रुघ्न में भी जरा कठिन बोलने में, लेकिन भरत बहुत सरल है। बने काहे नहीं भ रने काहे नहीं भर, साधु ऐसा होना चाहिए। न अनुस्वार न ओंकार न अकार, कितनी ही दुख पड़े न ओंकार, कितना ही हो न अकार, कितना ही हो न अनुस्वार, केवल भरत। इसलिए विश्व भरण पोषण कौन करेगा, हमें कौन जो भरत होगा। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत, उसका नाम भरत रखा। जाके सुमिरन ते रिपु नासा, जिसका स्मरण करने से रिपु मर जाएगा उसका नाम शत्रुघ्न। कौन से रिपु? हमारा लोभ। अयोध्या का सबसे बड़ा इन दिनों में रिपु था वो लोभ था, मंथरा। मंथरा भयंकर रोग है और शत्रुघ्न महाराज ने उसकी पिटाई की है। तो जिसके स्मरण से हमारे आंतरिक शत्रु खत्म हो जाएंगे, हमारे भीतरी दुश्मनों का नाश, विकारों का नाश होगा, इसका नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा ये तुम्हारे चार पुत्र केवल पुत्र नहीं है, वेद के सूत्र सूत्र है। फिर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उपनयन संस्कार के बाद गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए जाने की बात आई। चारों भाई वशिष्ठ जी के आश्रम में पढ़ाई के लिए आते हैं। वाल्मीकि ने तो लिखा है कौन कौन शास्त्र पढ़े, क्या क्या पढ़े, किन किन, हर चीज पढ़े हैं राम। और वहां तो ये भी वर्णन आता है कि पढ़ने के बाद जब लौटे ना तो अपने तीनों भाई उसको पूछते हैं, बड़े भैया उस वक्त गुरु ने ये सूत्र किया था, वह व्याकरण को ठीक हम नहीं समझा। फिर भगवान राम चौकी पर बैठते हैं और तीनों को व्याकरण सिखाते हैं। अल्पकाल में परमात्मा ने सब विद्या उनके पास दौड़ाई। जिसके श्वास में श्रुतिचार हो उसको क्या कहना। तो भगवान विद्या पढ़ करके अपने घर आए। जो पढ़े थे वो माता पिता गुरु को प्रणाम करना जो सीखे थे वो सीखते, प्रात काल में उठते थे, माता को प्रणाम करते थे, पिता को, आचार्य को, अतिथि को। से हमारे देश की संस्कृति है
कि संतान अपने माता पिता, पहले माता को प्रणाम करें, फिर पिता को, फिर गुरु को, फिर कोई आंगन में अतिथि आ गया तो वडिलों को, बुजुर्गों को प्रणाम करना। मेरे युवान भाई बहन, शास्त्रकारों ने कहा है कि हमसे वरिष्ठ है, वशिष्ठ है, विशिष्ट है, ऐसे हमारे माता पिता गुरु जो, उसको प्रणाम करने से व्यक्ति के जीवन में चार वस्तु आती है, आयुर्विद्या यशो बलम, आयुष्य बढ़ती है माँ बाप को प्रणाम करने से। आयुष्य निश्चित होती है कहते हैं, लेकिन बढ़ेगी इसका मतलब कि जो अब जो हम जिएंगे उसमें उत्साह बढ़ेगा, हर्ष बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा। आयुर्विद्या, माता पिता आचार्य को प्रणाम करने से विद्या बढ़ती है, कीर्ति बढ़ती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है और बल बढ़ता है। भगवान राम में चार ऐश्वर्य है, वीर्यवान है, बलवान है, तेजवान है और शरीर से भी बहुत सुंदर है, तेजस्वी है राम। ये सब बढ़ता है माता पिता को प्रणाम करने से। अब तो कभी कभी अपने मित्रों के साथ भगवान वन में जाते हैं, असुर लोग जो मृग के रूप में आकर साधुओं को सताते थे, इनको निर्वाण पद देते थे। ऐसी सुंदर लीला ठाकुर जी की चल रही, तुलसीदास जी लिखते माठ। परमात्मा की संक्षिप्त बाल लीला और बाल चरित्र की बातें गोस्वामी जी कहते हैं, हमने गाकर सुनाई। अब आगे की कथा सुनिए। सिद्धाश्रम में वाल्मीकि जी कहते हैं, जहां विश्वामित्र जी साधना करें वो सिद्धाश्रम है। तुलसीदास जी शुभ आश्रम कहते, इतना फर्क है। विश्वामित्र जी जप यज्ञ तप साधना वगैरह कर रहे हैं, मारीच और सुबाहु उसके यज्ञ में, उसकी साधना में बाधा कर रहे हैं। कई बार यज्ञ शुरू होता है फिर बाधा होती है, अनुष्ठान रुक जाता है। विश्वामित्र जी को हुआ कि मैं श्राप देकर, क्रोध करके इन राक्षसों का नाश कर सकता हूं, लेकिन मैं इन लोगों को मार सकता हूं, तार नहीं सकता अब विश्व को। ऐसे तत्व की जरूरत है, परम तत्व की, जो मारे भी और तारे भी। नव निर्माण के लिए वो पहले निर्माण दे फिर नव निर्माण करे, ऐसे तत्व की जरूरत है। क्योंकि विश्वामित्र जी को पता है कि अनुष्ठान में जब हो तब श्राप दे, श्राप देने के लिए क्रोध करना पड़ता है और क्रोध रूपी दुर्गुण आता है तो अनुष्ठान का फल खंडित हो जाता। मैं आपसे निवेदन करूं, युवान भाई बहनों को कहा, छह
समय क्रोध मत करना, छह समय। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के समय में क्रोध ही करना, ये नहीं मेरा इरादा, लेकिन कम से कम क्रोध ही करते रहे तो छह समय बचाओ। एक, सुबह में जागते ही क्रोध मत करना। कई लोग जागते ही क्रोध करते हैं, नहीं, अपने घर में राज्य, घर में जो एक शांति का राज्य है उसको बिगाड़ने का एक घाटे का सौदा है। जागते कभी शोध क्रोध नहीं करना। दूसरा, आप कोई पूजा पाठ करते हो, पारायण करते हो, जप करते हो, कुछ भी करते हो, जो करते हो अपने इष्ट देव का, पूजा पाठ करते समय, जप करते समय क्रोध नहीं करना। तीसरा, अपने ऑफिस, अपने खेत, अपने कार्य क्षेत्र में जाओ, तब घर से जब बाहर जाओ तब कभी क्रोध करके बाहर मत जाना। और जब सायंकाल को लौटो, लौट कर क्रोध मत करना। पांचवा, भोजन करते समय क्रोध मत करना। और छठा, सोते समय क्रोध करके मत सोना। ये छह प्रहर को जो समझ लेता है उसके जीवन में एक गजब की शांति रहेगी। लेकिन हम दुनिया में देखते कई लोग जागते ही क्रोध करेंगे, भोजन करते समय थाली उड़ाते हैं, ऐसा भोजन, ऐसा भोजन, ऐसा भोजन। एक भाई उदास बैठा था चौरे पर, उसका मित्र आया, क्यों उदास बैठा है, माजरा क्या है? अरे यार क्या करे, तेरी भाभी से मेरी बनती ही नहीं। तो हुआ क्या? अरे बोले क्या करे यार, रसोई करे कोई ठिकाना नहीं, कभी ये करे कभी ये करे, दुखी दुख गए। बोले एक काम कर, तेरा मेरी भाभी से अच्छी बनेगी लेकिन तू उसकी सराहना कर, वो रसोई करे भले कुछ भी हो लेकिन कहो अरे क्या बनाई रसोई तूने, गजब की रसोई बनाई। ऐसी रसोई तो मुझे लगता है कि रसोई तो खाऊं लेकिन उंगली भी खा जाऊं, गजब की रसोई बनाई, ऐसा कर। वो श्रृंगार सजे तो भले उसके शरीर पर एक भी श्रृंगार शोभा नहीं देता हो फिर भी कहो गजब है, गजब, रति अवतरित हो गई है, ऐसा बोलना। तो बहुत सुंदर, तुम दुनिया पे विरल व्यक्ति हो, चांद सी महबूबा हो मेरी कम, ऐसा एक आध गीत गा लो। तुम सराहना करो उसकी रसोई का। तुम कभी सराहना करते हैं सब्जी के, घर ठीक से चला? उसने कहा कि भाई साहब सराहना करने जैसी रसोई बनी हो तो सराहना करो ना, अरे न बनी हो तो भी झूठी सराहना करो। ठीक है कल ये करूं, तो घर गया, पत्नी ने थाली परोसी और सराहना शुरू की, ओ हो क्या डिश है, डिश से शुरू की, गजब की डिश है, मेरा चेहरा दिखता है इसमें, क्या डिश, कैसे साफ की तूने, गजब है। इतने में कटोरी, अरे कटोरी कटोरी, गजब की कटोरी, पानी का लोटा, अरे गजब का लोटा। पत्नी सुन रही, फिर रोटी दी, परोठा दिए, ये दिया, सब्जी दी और कहने लगी, ओ हो क्या रोटी बनाई, पूरी गली में खुशबू फैल गई, सराहना किए जा रहा है, सराहना के दाल परोसी तो दाल का सराहना, सब्जी की सराहना, पकौड़े की सराहना, इतनी सराहना की। और पत्नी का दिमाग गया, अब बंद करोगे? 30 साल हुई तुम्हारे घर में ब्याह कर आई हूं, रोज रसोई करती हूं, कभी आपने रसोई की सराहना की है? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं इसलिए सामने की लॉज से टिफिन लेकर आई हूं और सबकी तू सराहना करती है। आने के बाद भाग्य फूटा बता, कितना ही करो उल्टा ही निकले, उल्टा ही निकले। इसको क्रोध मत करे, भोजन करते समय, सोते समय, जागते समय, भजन करते समय, घर से बाहर जाते समय, लौटते समय, घर को शांति प्राप्त होगी। अब क्या है, एक मंत्र हमारा क्या, ओम शांति ही शांति शांति। अब तो क्या कर, ओम शांति, ओम में तो शांति है लेकिन एच ओ एम ई, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, हमारे घर में शांति हो। तो दिमाग को थोड़ा ठीक रखो।
क्रोध न। विश्वामित्र जी ने सोचा मैं क्रोध करूं तो अनुष्ठान विफल हो जाएगा। ध्यान में बैठे और गाधिराज के पुत्र विश्वामित्र ने देखा कि जिस ब्रह्म को प्राप्त होने करने के लिए मैं क्षत्रिय से ब्राह्मण बना और आज ब्रह्म क्षत्रिय के घर जन्म लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर वर्ण का विषय नहीं है, ब्राह्मण बने तो ही ब्रह्म मिले, ऐसी भ्रांति को काट दी। ईश्वर तो किसी भी वर्ण में मिल सकता है। शबरी के पास भगवान गए तो क्या कहा, मैं जाति पाति वर्ण बड़ाई कुछ नहीं जानता, मैं तो केवल एक भक्ति के नाते को मानता हूं। रामचरितमानस में कई स्तुतियां हैं, कई स्तोत्र है। ये राम जो नौ प्रकार की भक्ति की बात शबरी के आश्रम में मानस के अरण्य कांड में कर, ये शबरी स्तोत्र है शबरी के लिए। शबरी में एक एक भक्ति देखी और स्तुति, जैसे परमात्मा में देखते हा शिव जी के गले में नाग है और हम स्तुति करें, नागेंद्र हारा है स्तुति कर दे। भगवान शंकर के गले में विष है तो हम कहते हैं नीलकंठ है। भगवान शंकर की जटा से स्फुरन मौली, जब देख शबरी को देखकर मेरे राम जी ने जो पंक्तियां मानस में गाई वो शबरी स्तोत्र है, ये शबरी स्तवन है, शबरी की स्तुति है। प्रथम भक्ति संतन कर संग, हे शबरी तुझ में प्रथम भक्ति में देख रहा हूं, तूने साधु का संग किया, संतों के साथ तू रही, संतों की सेवा की। दूसरी रति मम कथा प्रसंग, साधु की सेवा करते करते जब संत लोग मिलकर भगवत चर्चा करे तो तू दूर बैठ करके कथा का श्रवण, मैं तुझ में देख करके तेरा स्तोत्र गान कर रहा। गुरुपद पंकज सेवा, तूने तेरे मतंग ऋषि गुरु की बहुत सेवा की निर्माण बनकर। तो शबरी में जो जो भक्ति के दर्शन हुए प्रभु की स्तुति के रूप में, शबरी स्तोत्र के रूप में प्रभु की, क्योंकि ईश्वर ये नात जात वर्ण किसके देखता नहीं, मानव एक भक्ति कर। तो शबरी जी जो भक्ति है वो तो मैं तुम में सकल प्रकार देख रहा हूं, इसलिए मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं। विश्वामित्र जी के भ्रम को तोड़ा, ईश्वर की प्राप्ति वर्ण से नहीं होती, वर्ण की उसमें कोई कोई स्थान नहीं है। ध्यान में रघुकुल में राम प्रकट हुए है, वो ब्रह्म है, उसको मैं बुलाऊं। और विश्वामित्र जी पद यात्रा करते हैं, अयोध्या आते हैं, सरजू जी में स्नान करके भूप दरबार में, राजा के दरबार में गए। महाराज दशरथ जी ने स्वागत किया, पद प्रक्षालन किया, पूजा की, अपने निज आसन पर विराजमान किया, भोजन करवाया। और जब विश्वामित्र जी ने भोजन कर लिया उसके बाद राम लखन भरत शत्रुघ्न वो सब दौड़ आए। पंडित राम किंकर जी महाराज का ये अर्थ है, वो कहते हैं कि ईश्वर भूखे रहने से भी मिलता है और कभी कभी 56 भूख खाने के बाद भी मिलता है। इसीलिए कोई एक सीमा निर्धारित न करो, कभी कभी मान लेते कि बहुत उपवास करे तो परमात्मा मिले, उपवास करो लेकिन मर्यादा। ज्यादा उपवास करते हो तो चिड़चिड़ी बहुत करते हैं, पूरे घर को परेशान करते हैं। हमारे सतवा बाबा कल कह रहे थे कि दुनिया में परमात्मा ने आलू इसीलिए ही बनाए हैं कि उपवास करने वाले आलू खा खा करके उसके गाल भी आलू जैसे हो जाए, इसलिए परमात्मा ने आलू बनाए, वरना आलू क्यों बनाते। उल्लू तो बहुत बनाए हैं दुनिया में, कितने उल्लू घूम रहे हैं दुनिया में, लेकिन आलू क्यों, प्रगट उल्लू है अब प्रगट आलू है। उपवास करो लेकिन भूखा रहे तो फिर बुभुक्षित पाप बहुत, सबसे बड़ा पाप है क्रोध कर, भूखे हो रहे उपवास करें पूरे घर को परेशान करें, ऐसा नहीं, खाने योग्य वस्तु खा लो। एक हमारे एक 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 धर्म के महापुरुष ने 100 से ज्यादा उपवास किए थे, बेंगलोर में हमारी कथा चल रही थी, उसके 8-9 लाख लोग इकट्ठे हुए थे उसके उसके, मैंने खुद आंखों से देखा। हाँ कथा में कितने लोग होते हैं हमको पता लग जाता है, मैंने देखा कि 8-9 लाख तो लोग होंगे, कोई इधर घूम रहा है कोई इधर घूम रहा है, जय जय। तो मुझे ले गए, मैंने कहा मेरा मौन होता है दिन में, मुझे क्यों ले जा, बोले नहीं बापू आप आओ आओ, महाजन मुझे ले गए। तो मंच इतना बड़ा और महाराज जी जिसने इतने उपवास किए थे वो पीछे बैठे थे, एक मटकी थी गर्म पानी था
ठाकुर बैठे थे, छोटी छोटी दाढ़ी थी, मैंने देखा इसे आपको बता। तो मैं तो अपनी साधु शालीनता के मैनेजर को जो कुछ प्रणाम किया तो दूसरी ओर देखते रहे। मैंने कहा मुझे देखा नहीं इसीलिए कोई कोई प्रतिभाव, मैंने दूसरी बार प्रणाम किया, देखा तीसरी बार प्रणाम किया, तब मेरे सामने देखा। मैंने कहा मार डाला। ऐसे कुपित देखा, क्योंकि इतने उपवास करके उसका स्वभाव इतना चिड़िया हो गया था कि जिसको भी देखे सब पापी ही लगते थे उसको। मैंने उपवास किया, मैं ही पुण्य आत्मा, बाकी सब पापी। ऐसे मैंने देखा कि मैं कहाँ आ गया। 10 मिनट बैठा, जो तपस्या जो उपवास तुम्हारी मुस्कुराहट छीन ले, इससे तो बेटर है भजिया खा लो, गरम गरम चाय पी लो यार, हल्दर वाला दूध पी लो। उपवास करने चाहिए, लेकिन हमें चिड़चिड़ कर। परमात्मा विश्वामित्र जी जब इतना भोजन करके बैठे तब मिल गए। भगवान के लिए कोई तुम नियम नहीं बना सकते कि ऐसा हो तभी मिले। मनु शत्रुपा ने सालों तक उपवास किया तो भगवान मिले, और यहाँ पर विश्वामित्र जी ने इतने भोजन किया तो भगवान मिल गए। वहां कोई गणित का मेरा सूत्र है, परम अव्यवस्था का नाम परमात्मा है, जहां कोई नियमावली नहीं है, अंधाधुंध सरकार है, इसका कोई ठिकाना नहीं। महाराज ने भोजन किया, उसके बाद चारों भाई आए और राम को देखकर विश्वामित्र जी स्तंभित हो गए। ओ ये रूप तो मैंने ध्यान में देखा था, और जो देखा था वो देखने के बाद विश्वामित्र जी ने राम रक्षा स्तोत्र की रचना की। गजब है ये रूप। महाराज दशरथ जी ने पूछा, मर प्रभु आप आपकी सेवा हम क्या करें। बोले महाराज हमारी एक इच्छा है, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान कर रहा हूँ, मारी सुबह हूँ उसमें बाधा डालते, मैं आपसे मांगने आया हूँ। अनुज समेत राजन में आपसे संपत्ति मांगने नहीं आया, आपकी सेना, वाल्मीकि जी में तो कहते ना मेरा लश्कर ले जाओ, अरे मैं मुझको खुद को ले जाओ, लेकिन राम की मांग मत करो। बोले नहीं, अनुज सहित राम मुझे दे दो। साधु सम्राट से संपत्ति नहीं मांग रहा है, उनकी संतति मांगता है, और संतति भी इसीलिए विश्व मंगल के लिए, विश्व कल्याण के लिए, मुझे राम दे दो। ये अप्रिय बात सुनकर महाराज दशरथ जी दुखी हो गए। आप मानस का पाठ करते हैं, दशरथ जी ने कहा राम का बे अक्षर है, वो दो अक्षर वाले राम को छोड़ दो तो मेरे पास दो तो अक्षर वाली जितनी भी वस्तु है मैं आपको दे, वो पूरा फहरिस्त दे दी। वशिष्ठ महाराज ने दरमियान गिरी की, राजन विश्वामित्र महाराज चार नहीं मांग रहे, दो मांग रहे हैं। और आप ये मत भूलिए कि आपको यज्ञ की कृपा से चार पुत्र मिले हैं, और विश्वामित्र महाराज का यज्ञ रुका हुआ है, तो यज्ञ के प्रताप से आपको चार पुत्र मिले हैं, तो उसके यज्ञ की पूर्ति के लिए चार में से दो देना आपका कर्तव्य है। दूसरी बात, ऋषि की कृपा से आपको पुत्र राम का, देखो राम जन्म के कितने कारण हमने बताए कल संक्षेप में, पांच कारण, जय विजय, वृंदा, नारद, मनु शत्रुपा और ईद मित्र तो कोई नहीं, बाकी मूलतः राम जन्म का कारण कौन, मूल कारण भक्तों के प्रेम के बस, चलो माना भगत प्रेम बस सगुण, लेकिन मूल को खोजो, मूल राम जन्म का कारण क्या है पंडित जी? रोना नहीं, सीधे हंसते हंसते जवाब दे। क्या मूल मूल कारण क्या है? प्रतिज्ञा बताए, इसमें प्रतिशिक्षण के लिए तुम्हारा कारण बना।
हाँ 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 पांच कारण तो है, ठीक है, और वो आध्यात्मिक कारण भी है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, ये सब भी कारण है, लेकिन मूल कारण क्या है कि राम को प्रकट होना पड़ा? मूल कारण है गुरु का वचन। भाई यही सूतचारी राजा, चिंता मत करो, चार पुत्र के बाद ये गुरु के वचन के कारण राम जन्म, गुरु का वचन सर्वोपरि होता है, इससे आगे कुछ डर हूं धीर। यही सूतचारी त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। तो मूल में शबरी को राम किस साधना करती थी इसीलिए मिला, वैष्णवी बन गई थी इसीलिए मिला, तपस्विनी थी इसलिए मिला, वाल्मीकि के रूप में चारु भाषण, कितने लक्षण वाल्मीकि ने बताए शबरी के अद्भुत वर्ण में। उसको राम मिले केवल उसके गुरु के वचन से कि शबरी तेरे आश्रम में एक दिन राम आएगा, तू प्रतीक्षा करना। तो राम का अवतार का मूल बुनियादी कारण, नितांत कारण यदि कोई है तो गुरु का वचन, इससे राम की प्राप्ति। तो जिस ऋषि की कृपा से आपको चार पुत्र मिले, एक ऋषि के कार्य के लिए दो देना आपका कर्तव्य, और राजा ने दोनों पुत्रों को कह दिया, माताओं को प्रणाम करके राम और लक्ष्मण मुनि संग मुनि के आश्रम उसका कार्य पूरा करने के लिए निकले हैं। इस छवि की झांकी करते हुए गोस्वामी जी चौपाइयों में लिखते हैं, oh, yeah.
बाहु विशाला प्रभु और लक्ष्मण विश्वामित्र के संगदान कैसे दिखते हैं? अरुण नयन, लाल अरुण मानी एक अर्थ, लाल अरुण मानी एक अर्थ है कि कैसा लाल, सुबह में सूर्य का सप्त अश्वी रथ निकलता है और उसका सारथी अरुण जब रथ लेकर के सुबह की जो एक लालिमा प्रकट होती है, एक आभा प्रकट, ऐसे जिसके नेत्र लाल है, अरुण का एक अर्थ कमल भी हो गया, भगवान के नेत्र कमल जैसे अरुण नयन उर बाहु विशाला, और तीनों के साथ विशाल शब्द लगा सकते हैं, एक तो नयन, नयन विशाल, बाहु विशाल और छाती विशाल। राम कौन, कैसे हैं मेरे राम, जिसकी आंख विशाल है, जिसका दृष्टिकोण संकीर्ण नहीं है, वो विशाल दृष्टि से देखते। दूसरा नयन विशाल है, दूसरा उर हृदय विशाल, हृदय की भावनाएं बहुत विशाल है, और बाहु हाथ विशाल है, एक कृपण नहीं है, संकीर्ण नहीं है, दाता है, सब कुछ देता है, बाहु विशाल। अरुण नयन उर बाहु विशाला और नील जलज तनु साम तुम्हारा, श्याम वर्ण नील वर्ण के कमल के तमान, तमाल वृक्ष के समान परमात्मा का पूरा श्री विग्रह नील तमाल की तरह सो रहा है, और गोस्वामी जी देख देख करके हमें संकेत कर रहे, कटिपट पीत अपनी केहरी कटी पर, सिंह जैसी कटी भाग पर पीले वस्त्र के फटके से भगवान ने अपने निशंग बांधा, कटिपट पीत कसे कसके, कटिपट पीत कसे बर भाता, श्रेष्ठ निशंग कटिभाग पर लगाया, कटिपट पीत कसे बर भाता, और रुचिर चाप, इस मूर्ति के हाथ में सुंदर चाप है और एक बाण है, राम के पास एक वचन एक बाण, ये सब एक एक ही रखते हैं, राम द्विभाषी नहीं होते, कभी दूसरा वचन नहीं बोलते, बोले सो बोले, तो रुचिर चाप सायक हाथ में धारण के रहे, रुचिर चाप सायक हाथ, और तुरंत तुलसीदास जी ने हमें दर्शन कराया, श्याम गौर, राम जी श्याम है, लक्ष्मण जी गौर है, सुंदर भाई है दोनों, और विश्वामित्र जी को लगा विश्वामित्र महानिधि पाए, आज विश्वामित्र को महानिधि प्राप्त हो, मेरी व्यासपीठ हमेशा मुखर हुई है कि अच्छे आश्रित पाकर गुरु को लगता है कि मेरे शिष्य नहीं है, ये मेरी महान संपदा है, राम लक्ष्मण जैसे शिष्य को प्राप्त करके विश्वामित्र जी को महानिधि प्राप्त हुई। जा रहे हैं, इतने में ताड़का क्रोध करके निकले, विश्वामित्र जी ने कहा राघव ये ताड़का मारीच सुबाहु को प्रसव देने वाली, उनकी संतान ही हमारी यज्ञ की बाधाएं हैं, जैसे दिखाया ही, और परमात्मा ने अवतार कार्य का श्री गणेश किया, एक ही बाण प्राण हरी लीला, एक बाण छोड़ा ठाकुर जी ने और ताड़का गिरी, उसका तेज हरी में लीन हो गया, मारी और तारी, अब विश्वामित्र जी को यकीन हो गया कि ये ब्रह्मा है, अपने परमात्मा को विश्वामित्र जी पहचान गए, और आश्रम में आकर उसने विद्या निधि को बला और अति बला नाम की विद्या अर्पित की। इस विद्या के कारण लंबे अरसे तक न तृषा लगती है न भूख लगती है, और शरीर का बल और तेज बना रहता है, ऐसे विद्यादि आश्रम में ले आए, सब आयुध राम को अर्पण किए और कंद मूल फल भगवान को अर्पित किए, प्रभु आश्रम में आए। पहला दिन बीता,
रात्रि बीती, दूसरे दिन सुबह विश्वामित्र जी याद भी नहीं दिला रहे कि यज्ञ करें। भगवान ने सामने से कहा कि यज्ञ का आरंभ करो महाराज, अब किसी की ताकत नहीं आपके यज्ञ में बाधा बने, हम दो भाई खड़े हैं। विश्वामित्र जी को लगा कि यज्ञ करने के बाद जिस यज्ञ पुरुष की प्राप्ति करनी है वो तो स्वयं आ गए, अब यज्ञ करने की क्या जरूरत। विश्वामित्र जी से राम जी ने कहा महाराज यज्ञ तप और दान कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे श्रोता भाई बहन, गीता का भी यही संदेश है कि परम तत्व को आप पालो तो भी जब जीवित हो यज्ञ दान और तप करते रहना चाहिए। हम काय भी यज्ञ न कर सके स्थूल रूप में तो यज्ञ करते रहने का कभी न कभी कुछ न कुछ दूसरों को देते रहिए, जरूरतमंद को कुछ देते, ये यज्ञ है। स्वाहा करते रहो, स्वाहा करते रहो, केवल मेरे लिए नहीं ये आपके लिए भी है, ऐसा यज्ञ हमें करते रह, दान करते रहना जरूरतमंद को पात्र देख करके। और हर जगह पात्र नहीं देखा जाए, भूखे आदमी हो भूखा तो उसको रोटी देनी ही चाहिए, उसका पात्र न देखे कि पापी है कि पुण्य, ये सब छोड़ो, उसकी भूख ही उसकी पात्रता है, उसको दे दो। सर्दी में ठिठुर रहे कोई आदमी, वो पापी है कि चोर है कि साधु, वो मत देखो, उसको कंबल दे दो, क्योंकि उसका ठिठुर ना ही उसकी पात्रता है। बीमार आदमी उसको दवा देते समय पात्र नहीं देखा जाता, क्योंकि उसकी उसकी बीमारी ही उसकी पात्रता है। तो दान देते रहना चाहिए और यज्ञ करते रहना, दान देते रहना, यज्ञ दान और तप थोड़ा सहन करना सीखना चाहिए। ये तीन हमारी बुद्धि को बार बार रिचार्ज करती है, पैनी बनाती है, चार्ज करती है। तो महाराज आप यज्ञ का आरंभ करें। मुनिगणों ने यज्ञ का आरंभ किया, मारीच सुबाहु दौड़ाए, प्रभु ने बिना फने का बाण मारकर मारीच को सतजोजन लंका में फेंक दिया, सुबाहु को प्रभु ने अग्नि के बाण से जलाकर निर्वाण दिया, और बाकी की जो सेना थी वो लक्ष्मण जी ने पूरा कर दिया और यज्ञ की सुरक्षा हुई। कुछ दिन गोस्वामी जी कहते हैं विश्वामित्र के आश्रम में रामभद्र और लखन जी रहे। अब विश्वामित्र जी ने कहा राघव आप यज्ञ की पूर्ति के लिए आए हैं, तो एक यज्ञ दूर मिथिला में हो रहा है, वो यज्ञ भी आपकी उपस्थिति में पूरा हो जाए। बोले ये कौन सा यज्ञ है? बोले वहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है, आम वहीं जाए आप। और धनुष यज्ञ का नाम सुनते ही तुलसी कहते हैं धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि भर कैसा था। भगवान जनकपुर की यात्रा कर निकल पड़े हैं, रास्ते में गौतम ऋषि का आश्रम आया, प्रभु ने अहल्या का उद्धार किया, पातकी बनकर पड़ी थी, भगवान वहां रुक गए और विश्वामित्र से पूछे कि किसका आश्रम है, ये कौन है। पूरी कथा विश्वामित्र जी ने सुनाई और भगवान से प्रार्थना की, ये गौतम नारी पापवश नहीं है, श्रापवश है, आपके चरण की रज चाहती है, कृपा कर दो। प्रभु ने चरण रज का दान किया और अहल्या की चेतना पुनः प्रकट हो गई और जगत को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया कि हम कितने ही पापी क्यों न हो, जिन रजोगुण ने जिन चांचल्य ने हमें पाप में प्रेरित किया हो, इन सभी चंचलता को एक पत्थर की तरह चट्टान की तरह हम स्थिर हो जाए तो अयोध्या जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अयोध्या वाला हमारे आश्रम पर आएगा, परमात्मा से हमारे उद्धार की मांग नहीं करनी पड़ेगी, भारत का कोई साधु हमारे लिए वकालत करेगा कि चरण रज कमल रज चाहती, आप इस पर कृपा करो। और प्रभु की चरण रज से अहल्या में पुनर्चेतना जगी है। और फिर गौतम ऋषि आए गौना करके अहल्या को लेकर जाते हैं और तुलसी कहते हैं
माया का उद्धार हुआ, परमात्मा के नाम के साथ पतित पावन शब्द जुड़ गया और प्रभु आगे बढ़े, गंगा के तट पर आए। प्रभु ने गंगा में स्नान किया, तीर्थ के देवताओं को दान दिया और प्रभु जनकपुर में प्रवेश करते हैं। एक आम्र कुंज में मुनियों के साथ प्रभु रुके हैं। यहाँ जनक राज को समाचार मिला, विश्वामित्र महामुनि आए। विश्वामित्र जी पधारे, अपने सभी साथियों को लेकर जनक जी विश्वामित्र जी के सम्मान के लिए आम्र कुंज में जाते हैं। उस समय राम और लक्ष्मण अंबावाड़ी देखने के लिए गए थे। विश्वामित्र मुनि मंडली के साथ बैठे हैं, जनक जी पधारे, महात्मा को प्रणाम किया, कुशल अंतर पूछा, बातचीत चल रही थी। इतने में दोनों भाई आए, गोस्वामी चौपाई लिखते जी से बातचीत चल रही। इतने में राम लखन बाग देखने गए थे, वो आ गए और जैसे प्रभु पधारे सब खड़े हो गए। भगवान राम को देख करके जनक जी अपना अपान भूल गए कि ये कौन है, ये कौन है। विश्वामित्र जी से पूछने लगे, ये सुंदर बालक कौन है, ये मुनि के कुल के तिलक है कि राजकुटुंब के कोई पालक है। इन बालकों को देखकर मेरा वैराग छूट रहा है, अनुराग एक ऐसी स्थिति है मेरे भाई बहन कि भोग भी छुड़वा देता है, योग भी छुड़वा देता है, विराग भी छुड़वा देता है। इन ही बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म, ब्रह्म सुख भी छुड़वा देता है। योगी को क्या होता है, ब्रह्म सुख मिलता है, योगी डूब जाता है अंदर और ब्रह्म का सुख का स्वाद लेता है, भोगी पदार्थों का स्वाद लेता है। लेकिन अनुराग एक ऐसी अवस्था है, प्रेम एक ऐसी अवस्था कि भोग छूट जाए, योग छूट जाए और विराग भी छूट जाए। सहज विराग विश्वामित्र जी, मेरा मन सहज वैरागी है लेकिन आज इन बालकों में जैसे चांद की और चकोर की टकटकी लग जाती है, मेरी टकटकी लग, ये है कौन। मैं राजकाज में रहता हूं, भोग में भी मैंने योग को संभाला है, मैं देख में रहते हुए विदेह हो चुका हूं, लेकिन ये बालक को देखकर मुझे लगता है कि मेरी देहाती स्थिति कहां गई। ये कौन देहधारी दो आए है जिसमें मेरा मन लूट गया।
मेरा बैरागी मन डोल गया, देखी जो अदाए मस्ताना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। आखू गीत तम उतार जैन गाई लीजो। तुम्हारा जनक जी योग छूटा, वैराग छूटा, भोग छूटा, आज अनुराग में इन्हीं बिलोकत अति अनुराग। ब्रह्म सुख से मैं दूर भाग रहा हूं, ये है कौन? ये सब भगवान इन बालकों को देख करके मेरे मन में इतनी प्रियता क्यों प्रकट हुई है? विश्वामित्र जी ने कहा, जो रोग मुझे लगा वो आपको भी लग चुका है, क्योंकि ये सबको प्रिय लगते हैं। किया क्या जाए, जो भी उसको देखेगा उसका हो जाता है। जब ऐसी बात कही तब प्रभु मन में मुस्कुराए और विश्वामित्र जी को संकेत में बताया कि महाराज मुझे बहुत लीला करनी है, मेरे ब्रह्मत्व को खोल मत देना। मन मुस्काही राम सुनी बानी, परिचय दिया प्राकृत। और फिर जनक जी ने कहा कि दशरथ जी के पुत्र हैं, मेरा यज्ञ पूरा करने के लिए आए थे, मेरे कहने पर यहाँ आए। भगवान आप मुनि सहित आते तो आपको इस बाग में ही आपका निवास करवाता, लेकिन अयोध्या के राजकुमार हैं तो हमें अयोध्या की मर्यादा को देखकर उसको एक सुंदर सदन में निवास कराना पड़ा। तो मिथिला में सुंदर सदन में राम लखन और विश्वामित्र आदि महात्मा को उतारा दिया है। कथा में लिखा है ऋषियों के संग भगवान राम ने मिथिला में दोपहर का भोजन किया, उसके बाद थोड़ा विश्राम किया। मैं भी आपसे निवेदन करूं कि अब आप भोजन करें और फिर तुम्हारे नसीब में हो तो विश्राम करो, बाकी इधर उधर घूमते रहो, जो करना सो करो, लेकिन अब आपका भी प्रसाद हो। मैं फिर एक बार विनय करूं, मैं कल जहां प्रसाद बांटा जा रहा है वहां गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आराम से सब प्रसाद जरूर प्रसाद ग्रहण करना और फिर आराम करना और खूब आराम करना, क्योंकि आज मैं आपको मिलने वाला नहीं हूँ। आज केवल मैं विदेश से, जो बहुत संख्या में विदेश से भाई बहन आए हैं वो फिर चले जाएंगे तो उसको एक वो रहेगी चुभन की, तो आज केवल मेरे निवास पर 4:30 बजे केवल विदेश से आए हुए भाई, और विदेश से सालों से यहाँ देश में रहे वो भी विदेश के बहाने घुस न जाए, क्योंकि अब आप विदेश वाले नहीं, सालों से यहाँ रह रहे हैं, केवल इस कथा के लिए जो विदेश से आए हैं, कितने कंट्रीज से लोग आए हैं, वो सब 4:30 बजे सब आएंगे। मैं आध घंटा आपको मिलूंगा और उसके बाद मुझे कहीं जाना है भिक्षा के लिए, तो आज मैं आप सभी को नहीं मिल पाऊंगा, कल शाम 5 बजे बंदा मिलेगा आपको, 5 बजे धाम धूम से हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे और आप और हम मिलेंगे और 1 घंटे तक हम मिलेंगे साहब। तो कल हम 5 बजे मिलेंगे, आज केवल विदेश से आए भाई बहन मुझे मिलने के लिए आ जाए। तो आज की कथा विराम की ओर जा रही है, तब भरो
सभी को मेरा प्रणाम। जय सियाराम। कल सुबह 10 बजे फिर भगवत संवाद। भाव से बोले रामचंद्र भगवान प्रिय बाल कृष्ण भगवान प्रिय सद्गुरु भगवान नमः पार्वती पतये सुदेव सुकर ब्रह्मा
वायु तेजा सदा कुदारत रूप तो भगवत वचन के एक अस्तुति सादर दादी कारण आयो तो समय एक परम पावन तव आश्रम संसय का श्री राम कथा के बाहर सादर तात सुनाओ मोरे बार बार Thank you.
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति 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 हरि ओम।